गुड इवनिंग एवरीवन एक्साइटमेंट है आज नहीं हमें तो होती थी फर्स्ट लेक्चर में चार पांच दिन में सब गायब है ना? सबका अटम्प्ट जनवरी है दोनों ग्रुप दे रहे हैं कितने हैं जो एक ग्रुप दे रहे हैं? सिर्फ सेकंड ग्रुप के लिए बैठे हैं अभी अच्छा सारे बहुत ग्रुप वाले यानी कि सबको रैंक लानी है गुड क्या लगता है रैंक आ सकती है आ सकती है क्या बात है ग्रेट अच्छा क्या बात है कितने लोग हैं जिसको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता हो कुछ नहीं चलो कोई बात नहीं इतना मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके सबसे फेवरेट पेपर हो जाएंगे और वो आई थिंक आठ एट टू टेन लेक्चर में आपको पता चल जाएगा बाकी सेकेंड ग्रुप में आपको पता ही है कि ये पेपर जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है अगर एस ठीक हो जाए तो क्योंकि तो सिर्फ एफ से तो अच्छा मार्क्स ला नहीं सकते ना ये तो फिफ्टी मार्क्स का ही है ओके okay. थोड़ा सा मैं अपना बता दूँ मैं 2009 का क्वालिफाइड हूँ मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में तीनों लेवल क्वालिफाई किया था और मैं 2010 से सीए फाइनल वालों को एस एफ एम पढ़ाता रहा अभी वो चेंज होके एफ एम हो चुका है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपके कोई सीनियर होंगे फाइनल में तो मे भी वो मुझे जानते होंगे आपके एरिया में नया हूँ बट मैं लक्ष्मी नगर में मैं पिछले फिफ्टीन ईयर से हूँ और मुझे ज़्यादा जानने वाले फ़ाइनल में है क्योंकि फाइनल को मैंने ज़्यादा दिन पढ़ाया है इंटरमीडिएट को थोड़ा कम पढ़ाया हुआ है और आपके रोहिणी के एरिया में मेरा ये सेकेंड बैच है आपके लिए ठीक है चलिए धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी हाँ थोड़ा सा अगर कोई पेरेंट्स आपके अगर स्टॉक मार्केट में होंगे तो हो सकता है वो मुझे जानते हो अभी एक डेढ़ साल से मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कम एक्टिव वीडियो नहीं डाला है अदरवाइज बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर वो सब जो है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स थे डेढ़ साल पहले तक अभी भी होंगे बट वो एक्सपेक्ट करते कि मैं वीडियो लेके आऊँ बट टाइम नहीं मिल पाता है उनके लिए चलो बाकी धीरे धीरे जान पहचान होती रहेगी है ना शुरुआत करते हैं हम लोग इससे पहले भी कोई लेक्चर थे आप लोगों का अभी ग्रुप टू का पहला लेक्चर आज थे आज ही शुरू हुई है ओके तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ग्रुप टू का तो हम अपना बार कर ले एफएम की बात कर लेते फिर ठीक है ये कौन सी पेपर है सिक्स ओके विजिबल है चलिए इसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एस एम की कंबिनेशन है ये आपका फिफ्टी मार्क्स ये भी आपका फिफ्टी मार्क्स पढ़ना दोनों ही पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं रैंक लाने हैं तो पास तो खैर सब हो जाओगे यहाँ के रिकॉर्ड तो मैंने देखा है जितने भी क्लास में होते मोर देन एटी परसेंट तो पास होते ही है अब ये सोचो कि मुझे रैंक लाना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए एस में भी मेहनत करने पड़ेंगे एस मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको सुनील सेठी सर पढ़ाएंगे मैं जो पढ़ाऊँगा आपको एफ ये सी ए वालों के लिए सी एम ए के भी है कोई जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस होते है? नहीं ओके फिफ्टी मार्क्स में से आपका थर्टी मार्क्स जो है वो एम सी क्यू कैसा एम सी क्यू होता है केस बेस् ओके ये जो भी होगा आपका केस बेस्ड एम सी क्यू होते हैं सॉरी थर्टी परसेंट होता है थर्टी मार्क्स नहीं होगा बिल्कुल बोल सकते हो सरमाने की बात नहीं है फिफ्टीन मार्क्स इधर भी होगा आपका फिफ्टीन मार्क्स का बट इसका हमें तर बताएंगे हम अपने से मतलब रखते हैं ठीक है जी फिफ्टीन मार्क्स का आपका एम होगा और जो थर्टी फाइव मार्क्स के आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उसमें जो कम्बिनेशन होते हैं आपका फिफ्टीन मार्क्स कंपलसरी है जो आपको करना होगा पेपर पैटर्न पता है आप लोगों को हाँ फिर तो ना भी बताओ तो चलेगा कम बोल रहे हो आप लोग इसमें से देखिए ये जो फिफ्टीन मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी होगा वो सॉल्व करने ही होंगे बाकी जो है आपका टेन मार्क्स का कितने क्वेश्चन बनेगा हिसाब तो मिलाओ अगर मान लीजिए हमारे को थर्टी फाइव मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे फिफ्टीन एक हो गया तो अब कितने बचते हैं ट्वेंटी मार्क्स टेन मार्क्स के आपका थ्री क्वेश्चन होंगे ठीक है टेन मार्क्स का थ्री क्वेश्चन जिसमें से दो आपको सॉल्व करने हैं एक आपका चॉइस होगा जिसमें से एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में जा सकते हो और उसी में से आपका एक क्वेश्चन थेरी भी होगा प्योर थेरी आप चाहो तो थेरी के बिना भी रैंक ला सकते एक हो एक क्वेश्चन जो होगा आपका थेरी का होता है इसमें से तो आपके पास चॉइस है जिसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में डर लगते हैं वैसे तो लगेगा नहीं तो आप थेरी को सॉल्व कर सकते हो थेरी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थेरी सॉल्व करिए नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए एक दे रहा है अभी की जो पैटर्न है बाद में बदल भी सकता है कोई नहीं जानता है ठीक है जी अगर कोई सी से है तो सी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा अनालिस है क्योंकि बाद में रिकॉर्डेड में होते हैं सी वाले भी उसको भी थोड़ा सा बता देते उनको ये ना लगे कि हमें पराया समझ रहे हैं सर है ना जी इसकी जो 80 मार्क्स होते हैं एफ का सी एम वालों के लिए जो एफ होते हैं वो है 80 मार्क्स का और जो बिज़नेस डेटा एनालिसिस होते हैं उनका ट्वेंटी मार्क्स का इसका भी थर्टी परसेंट जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं बट बाकी जो सेवेंटी परसेंट रहा उसका भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं इस सेवेंटी परसेंट में जो होते हैं ना 14 मार्क्स का टोटल सेवन क्वेश्चन होते हैं उन लोगों के जिसमें से पांच सॉल्व करने होते हैं यानी कि दो क्वेश्चन उसके लिए ऑप्शन होते हैं चॉइस होते हैं। बस ये था पेपर पैटर्न आपके एफ का एफ में सबसे अच्छी बात क्या है पता है कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर करने आता है थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स अगर आता हो तो सारे फार्मूला आप लोग खुद बना सकते हो एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा और ये मेरे जो पढ़ाने के स्टाइल में हो आपको कुछ दिन में आइडिया लग जाएगा क्योंकि मैं कभी भी कोई भी फार्मूला याद नहीं कराता सारे कोश, कोशिश रहते कि सारे बन जाए तो अगर बात करें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंस का मतलब क्या होता है मैनेज तो तभी करोगे ना आपको फाइनेंस को मैनेज करना है तो पहले ये तो पता हो कि फाइनेंस है क्या हाँ जी कोई बता सकते हैं फाइनेंस क्या है वो ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट कोई रटा रटा या मुझे कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए सिंपल फाइनेंस होता है कि जो आपको समझ पा रहे हो बस उतना बता दो क्या होता है फाइनेंस पैसा बहुत बढ़िया सही बोला है यानी कि पैसे का मैनेजमेंट ही तो फाइनेंस का मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है और पैसे को मैनेज किसको नहीं करने आता है इवेन आज एक रिक्शे वाले को भी करने आता है और हमसे ज़्यादा बेटर करते हैं एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग आपके देखोगे तो सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि कैपिटल बजटिंग मुझे डिफिकल्ट लगता है दो चैप्टर लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं एक वर्किंग कैपिटल और एक है कैपिटल वजटिंग जबकि कैपिटल बजटिंग एक रिक्शे वाले भी आज अगर उसको रिक्शा से ऑटो पे जाना है तो वो भी कैपिटल बजटिंग करके आते हैं उनको पता है बस पेपर पे नहीं आता वही क्वेश्चन हमारे में आ जाता है तो हमें तो लगता है पता नहीं कौन सी तोप चल रहा है तो एग्जैक्टली exactly दिक्कत क्या होता है कि हम हम जो पढ़ रहे हैं किसी चीज़ों को हम उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं किस चीज़ किस तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं उस पर डिपेंड करता है तो पैसे का मैनेज करना है आपको पता है दो ही चीज़ें पैसे के मैनेजमेंट में अभी आप क्लासेज ले रहे हो यहाँ भी पैसे की मैनेजमेंट हो रही है हाँ या ना कैसे थोड़ा सा इंटरेक्शन होते रहना चाहिए याद रखना आप लोग हमारे क्लास में चुप चुप नहीं रहते रहते ज़्यादा अब बताइए आप अभी क्लासेज ले रही हो इसका क्या पैसे का मैनेजमेंट हो रही है कैसे अच्छा ये होती होता है ना थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन रहता है सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकते आप लोगों को क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा हिंदी जो है ये पिछले फिफ्टीन ईयर से ही मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आपको लैंग्वेज अटपटा लगे तो इग्नोर करना क्योंकि लैंग्वेज हम नहीं सीखने आए आपको फाइनेंस सीखना है इतना बता सकता हूँ कि फाइनेंस में आप एक्सपर्ट रहोगे किसी भी दोस्तों से कभी भी आपको कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप टॉप पे रहोगे इस बात की गारंटी और जिस दिन लगे कि नहीं सर आपने गलत झूठा कमिटमेंट किया था पहले क्लास में तो आप जो बोलना आपको मानने को तैयार हो ठीक है ये वीडियो रिकॉर्ड करके कट करके मुझे बता देना ठीक है चलो रख लेना और आप मुझे उस टाइम बोलना जो बोलोगे मैं मानने को तैयार हूँ आगे बढ़े क्लास के लिए पैसे की जरूरत थी मैनेज कर रहे दो तरीके का मैनेजमेंट है पैसे लाए कहाँ से और लगाए कहाँ अब आप मान लीजिए कोई बहुत ही अमीर पेरेंट्स के बच्चे हो तो बात अलग है ठीक है अदरवाइज मैनेजमेंट सबको करने होते हैं और दो चीज़ होते हैं पैसे कहाँ से लाएँ और पैसे कहाँ लगाएँ पूरे एफएम आपका इसी दो आस्पेक्ट्स पे ख़त्म हो जाएगा जितने भी चैप्टर है इसी दो बात पे पैसे कहाँ से लाना है पैसे कहाँ लगाना है इसी में सारे चैप्टर बन जाएंगे आपका थोड़ा सा सोचो पैसे आपने कहाँ से लाया कुछ लोगों को तो हो सकता है बता पाएगा कुछ लोग तो बोलेंगे पेरेंट्स ने बोला है है ना पेरेंट्स के पैसे तो फिर ठीक है उनके भी पैसे हैं तो उन्होंने कहाँ से सोचा या कहाँ से लाया वो भी बनते हैं चलो बताओ कोई कुछ लोग लोन ले सकते हैं कमाए तो क्या बोला अच्छा कमा के अभी तो नहीं कमा रहे हो ना आप लोग अच्छा पेरेंट्स लड़े ओके ओके तो देखिए चलो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पैसे कहाँ से आना और कहाँ जाना दो चीज़ों में बात होती है यहाँ हम कंपनी के टर्म में बात करेंगे कंपनी अकाउंट है आप लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन में होते हैं फाउंडेशन का ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है तो हमारे टाइम पर जो सिलेबस थे अभी के सिलेबस में थोड़ा सा भी है, तो कहीं पे लगे नहीं तो मुझे दो चीज है जो सही समझू नहीं होता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल दो है इससे जो पिछले बैच थे इसमें यह था देखो अभी आपको ये ओपन हुआ मिलेगा ये लिखा हुआ हुआ करते थे ये क्लास में प्रिंट आउट दे दिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए टाइम बच गए फिर कुछ बच्चे ने बोला नहीं सर हमारे पास तसल्ली से टाइम है आप आराम से लिख के कर दो तो मैंने सोचा है सब कुछ लिख के पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट लगेगा ठीक है ना ओके फिर ठीक है तो तसल्ली से पढ़ेंगे तो एक चीज़ बताइए ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा जो भी मैं कुछ लिखूँगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नोटिंग नहीं करोगे तो जो भी हमारे क्लास के नोट्स होंगे उसके लास्ट पेज जो होगा ना एक दिन का जैसे रफ पेज बनेगा और बाकी ऊपर फेयर रहेंगे तो चलिए मैं बात करता हूँ एक कंपनी की एक बिज़नेस है ठीक है जी बिजनेस कहाँ से फंड लाते हैं दो ही चीज़ हमें बात करना है पैसे कहाँ से आना है पैसे कहाँ लगाना है इस बात का अगर डिसीजन ले लिया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़त्म कहाँ से लाते हैं बताओ हाँ जी डेट या इक्विटी चलो इक्विटी या डेट डेट क्या होता है लोन होता है डिवेंचर्स एंड लोन ठीक है डिवेंचर एंड लोन ओके बातें करते रहेंगे मेरे साथ अपने आप में नहीं तो लोन में और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है क्योंकि देखो मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा लेकिन किसी को अगर कुछ डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको लोन में और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है आना और किसी चीज़ों को फील करना दो अलग अलग चीज है धीरे धीरे आइडिया लगेगा लोन का इंटरेस्ट रेट डेट का डिवेंचर का भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है डिवेंचर कंपनी ऑफर करती है कंपनी लोन भी ले सकती है अच्छा डिवेंचर ऑफर करती है मतलब वो जो चार मार्क्स के जो थियरी टाइप के जो आते हैं ना कि अच्छा बताओ गाय पे एक मुझे लेख लिख दो एक ऐसे लिख दो तो गाय हमारा गाय हमारी माता है वो तो दूध देती है और फिर शुरू हो जाते हैं किस पे दूध पे गाय साइड हो गई अब दूध से खीर बनती है मिठाई बनती है अब आप किस पे लिख रहे हो लेख दूध पे जा रहे हैं ना गाय पे कहाँ जा रहे हैं बताओ वो सब काम नहीं कर रहे हैं हमें हमें यहाँ पे रियल डिफरेंस है जो फील करो लोन में और डिवेंचर में फ़ील करो ये क्या डिफरेंस है ठीक है किसी ने ऑफ़र किया हमने दिया ठीक है हम कह रहे हैं हम किसी को पैसे ले कर डिवेंचर इशू कर रहे हैं ठीक है ना पैसे लेना ही है ना कंपनी अगर फंड रेज कर रहा है अभी हम क्या बात करें पैसे कहाँ से लाना है हमें कंपनी ने फंड लाया उसके लिए क्या इशू किया फटाफट कंपनी ने क्योंकि यही बात करनी है हमें इसी सब चीज़ों के डिस्कशन होनी चाहिए और फील करनी चाहिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी को पैसे चाहिए ये रफ है इसीलिए मैं थोड़ा सा चाइनीज़ लिख रहा हूँ जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज होते हैं ना वैसे दिख रहा है तो बस ये रफ है जब हम फेयरली लिखेंगे तो हैंड ठीक है समझ आ जाएगा आपको मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कुछ रुपये दिए इसने क्या इशू कर दिया बताइए डिवेंचर ठीक है डिवेंचर इशू कर दिए एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में यही है ना यही है तो चलिए मान लीजिए कंपनी ने किसी से लोन ले लिया लोन लिया उसके लिए भी तो अग्रीमेंट किया ना यहाँ सर्टिफिकेट इशू किया वहाँ अग्रीमेंट साइन कर दिया बस उससे ज़्यादा और तो कोई डिफरेंस नहीं है रियल डिफरेंस बताओ ना चलो मैं आपको बताता तो मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हमारे क्लास में कंपनी अकाउंट चल रहे थे जिस टाइम तो मैंने उस दिन एक दिन एबसेंट हो गया था अगले दिन डिवेंचर चल रहे हैं लोन चल रहे सब क्लास में चल रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या डिवेंचर क्या है कहते किसी से पूछ लो लोन है वो तो मैं लोन है तो लोन और डिवेंचर कुछ तो होना चाहिए मेरे को कभी समझ नहीं आया फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप रियलाइज़ करते पता चला कि क्या डिफरेंस है हाँ जी कोलाट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर पे भी होते हैं अगर मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर से फंड रेज किया है उसका कोलाट्रल अपने आप कंपनीज एक्ट में लिख के दे दिया है कि जितने भी एसेट्स है वो आपके को लिए कोलेटरल है कोई आपको स्पेसिफिकली कोई कोलेटल देने की जरूरत नहीं है होप आप लोगों ने कंपनी जैट में पढ़ा होगा है ना तो कोलेटल तो दोनों में हो गए सिक्योरिटी तो दोनों में फंड तो दोनों में हमारा क्या है सेफ है पीरियडिकली पेमेंट है लोन में लमसम पेमेंट है चलो अब आते हैं ज्यादा टाइम नहीं खींचते ध्यान से सुनिए सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट में डिफरेंस एफ डी में डिफरेंस आप लोगों को पता है देखो सब की आवाज आ गई अब क्या है वो फील कर रहे हो आप क्या है, डिफरेंस बताना दोनों तो एक ही चीज है ना बैंक में पैसे रखना है चाहे एफडी करो चाहे सेविंग अकाउंट में पैसे रखो क्या डिफरेंस है ताँगे। फिक्स टाइम के लिए होता है ऐसे में बोलूँ एक लाइन में थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में सेविंग में फ्रीडम है एफ में फ्रीडम नहीं है कह सकते हैं आप मुझे बताइए जो भी आज अगर सेविंग में पैसे रखते हैं वो बेवकूफ है सेविंग अकाउंट में अगर कोई पैसे रखते तो बेवकूफ है क्यों लिक्विडिटी क्या बात है मजा आएगा आगे यही वर्ड सब आपको समझ के रखना है लिक्विडिटी कितने को समझ आती हैडेज करें देखे थोड़ा सा हाँ देखिए लिक्विडिटी दो चीज है अगर आप बहुत ही अमीर हो लेकिन अभी आप चाहते हो आप कैश नहीं निकाल सकते हो कैश नहीं अपने आप को अरेंज कर सकते हो अमीर हो लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है एफडी में मान लीजिए आपके पास पैसे पड़े हुए हैं अभी इमीडिएट खर्चे करने हैं कुछ आप एफडी तोड़ के खर्चे नहीं कर सकते हो लेकिन सेविंग में अगर है तो आप जब मर्जी पैसे खर्चे कर सकते हो तो डिफरेंस मैं एक लाइन में बोलता हूँ फ्रीडम की एक में फ्रीडम है एक में फ्रीडम नहीं है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं सेविंग में पैसे रखते हैं क्या भाई अभी इमीडिएट जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे एफड़ी थोड़ा नाम तोड़ने जाएंगे क्योंकि उसमें से फिर जितना इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा बिल्कुल पेनल्टी वगैरह थोड़ा सा भी कुछ जगहों पर होता है तो हम कह सकते हैं फ्रीडम की प्रॉब्लम है Exactly यही चीज़ यहाँ भी तो है अब देखो कैसे फ्रीडम की कैसे प्रॉब्लम है सोचो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी एक कोई पर्सन है मेरे ड्राइंग वगैरह थोड़ा ठीक नहीं है तो हंसना मत ठीक है जी मान लीजिए इन्होंने पैसे दिया अगर ये पैसे दे के इनके पास एक लोन की अग्रीमेंट साइन हो जाता है दोनों ने मिलकर लोन का अग्रीमेंट साइन कर लिया या कंपनी ने इसको डिवेंचर इश्यू कर दिया एक सर्टिफिकेट दे दिए जैसे आप करेंसी नोट लेते हो करेंसी नोट पे क्या लिखा होता है मैं धारक को बचन दे समथिंग रुपीज अदा करने का वचन देता हूँ यही होता है लिखा हुआ कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा अंडरटेकिंग होती है किसका अंडरटेकिंग है किसका अंडरटेकिंग है कागज के टुकड़े का वैल्यू किया है क्यों है पी मूवी देखा पीके मूवी देखा सारे गांधी जी का वैल्यू है नहीं कौन सी गांधी जी का वैल्यू है जिस पे गवर्नर ऑफ आर की साइन है तो अंडरटेकिंग है ना वो प्रोमिस किया हुआ है कागज के टुकड़े का वैल्यू इसीलिए है क्योंकि उस पर प्रोमिस किया हुआ है आज अगर मैं आपको प्रोमिस कर दूँ कागज़ के टुकड़े पे कि अच्छा जब बैच खत्म होंगे ना उस दिन आपको मैं टेन थाउजेंड रुपीज़ का गिफ्ट दूंगा ठीक है तो संभाल के रखोगे कि मेरे सिग्नेचर का वैल्यू है लेकिन यही चीज़ कोई फॉर्जरी करके आपको दे दे तो उसका वैल्यू है या नहीं है लिखा तो वही है आज डुप्लीकेट फेक नोट में क्या डिफरेंस है बताइए फेक नोट में और ओरिजिनल करेंसी नोट में क्या डिफरेंस है सिग्नेचर का ही तो डिफरेंस है एक में ओरिजिनल सिग्नेचर है एक में डुप्लीकेट सिग्नेचर है फॉर्जरी किया हुआ है इतना ही डिफरेंस है तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि डिवेंचर अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूँ वही करेंसी नोट कौन इशू कर रहा है जल्दी बताओ कंपनी इशू कर रही करेंसी नोट समझ जाओ इसको जिस पे कंपनी ने क्या करा अंडरटेकिंग दे दी अपना सिग्नेचर कर दिया वो कहता है कि मैं आपको इतने परसेंट का इंटरेस्ट दूंगा लास्ट में इतने अमाउंट आपको पे करूंगा अब जो ये जो सर्टिफिकेट इनके पास आया ना अब ये जो पर्सन है इस कंपनी से कभी भी फंड वापस ले सकता है ये वन लाख रुपीज लगाए ध्यान से सुनते रहिएगा वन लाख रुपीज किसने लगाया इस पर्सन ने किसको दिया, दिया। कंपनी को दिया कितने साल के लिए चलो मान लीजिए फाइव ईयर के लिए दिया दो केस है केस ए केस बी हाँ जी केस ए एंड केस बी अब मुझे बताइए एक केस में इस मिस्टर ए ने लोन दिया है किसको कंपनी को कंपनी ने फंड रेज किया कितने साल के लिए दिया मान लीजिए फाइव ईयर के लिए दिया इसमें भी इंटरेस्ट है टेन परसेंट है एक डिवेंचर के नाम पे दिया है इन पे भी इंटरेस्ट है टेन परसेंट है इस मिस्टर ए को कितना इंटरेस्ट मिलेंगे हर साल आवाज नहीं आया टेन परसेंट मिलेंगे कितने का मिलेगा दस हज़ार का मिलेगा कितने का मिलेगा ध्यान से सुनना है आपको वर्डिंग एग्जाम में भी यही होता है कितने या कितने का दोनों डिफरेंस है एक लाख का टेन परसेंट ठीक है तो कितना हुआ टेन थाउजेंड मिस्टर एक का कमाई चाहे वो लोन के नाम पे पैसे दे कंपनी को या डिवेंचर के नाम पे पैसे दे कंपनी को कितना इंटरेस्ट कमाएगा वो हर साल टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड तो इनकम के नाम पे तो कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन फ्रीडम के नाम पे डिफरेंस है देखिए कैसे कंपनी से जो पांच साल के पैसे लिया वो पैसे को कंपनी क्या करेगा बताओ जल्दी से इन्वेस्ट करेगा कहाँ इन्वेस्ट करेगा कहाँ इन्वेस्ट करेगा बहुत डिफरेंस है यही सब चीज़ बेसिक आपको पढ़ना है दो से चार दिन तो इस बेसिक में निकल जाएगा क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ बैलेंस शीट बनाना सीखा है बैलेंस शीट को एनालाइज करना नहीं सीखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ आपको एनालिसिस करना है और जिससे ज्यादा कुछ नहीं करना है समझ तो में आ गया ये जो पैसे लगाते हैं ना आप कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन याद रखना ये सारे के सारे इनके जो इन्वेस्टमेंट होगा ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा अब कंपनी को दो पैसे दो तरीके से पैसे लगाने मान लीजिए कोई एक शॉर्ट टर्म का कुछ स्टॉक में पैसे लगाने हैं दो तरह एसेट्स होता है दो तरह एसेट्स होता है

तो अभी जो पैसे लाना था उसमें मैंने मेजर स्टार्टिंग में पिक कर लिया डेट और लोन क्योंकि आप लोगों की लैंग्वेज आए मेरे माइंड आ गया पहले तो तो उसी को हमने पिक कर लिया ठीक है तो मैं कह रहा मिस्टर ए के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है वो लोन के नाम से पैसे दे कंपनी को या डिवेंचर के नाम से पैसे दे उनको कितना इनकम मिलना है टेन परसेंट टेन परसेंट कंपनी के लिए क्या है ठीक है किसी भी नाम से लो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पास कितने पैसे आ गए वन लाख आ गए मैं कहीं पे इन्वेस्ट करना है जहाँ भी करना है इन्वेस्टमेंट वाले बात हम बाद में करेंगे अब देखिए मिस्टर ए के लिए क्या होता है कल उनको ज़रूरत पड़ गया क्या करें अब कंपनी से मांगे मांग सकते हैं क्यों नहीं मांग सकते है? चलो शुक्र है कम से कम फाइव ईयर तो याद है आप लोगों को फाइव ईयर के लिए हमने पैसे दिया था पाँच साल से पैसे नहीं मांग सकते हैं बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन में अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट की बात हुई होगी तो ठीक है वो हम रिसीव कर लेंगे यही है ना क्या इसके पास फ्रीडम है फाइव ईयर तक के लिए नहीं है अगर इसमें इस, इस कंपनी को पैसे देना हो तो मिस्टर ए चार बार सोचेगा लोन के नाम पे देने के लिए आज अगर आपको पांच साल का एफडी करना हो तो आप दस बार सोचोगे मैं फाइव ईयर का एफडी डी करूं या ना करूं बोलो क्यों पैसे की जरूरत है ना अगर बीच में जरूरत पड़ गया तो फिर मैं क्या करूंगा इसीलिए मिस्टर ए इसको पैसे देने से पहले दस बार सोचेगा और जब देने वाले इंसान दस बार सोचेगा तो कंपनी को तो कहीं ना कहीं फंड रेज करने में दिक्कत हुई कि नहीं हुई देने वाला देगा ही नहीं तो लेगा कैसे कंपनी मान लीजिए आज आपको पैसे चाहिए आपने दोस्तों से मांगा और दोस्तों का एक दो बार पैसे ले बैठ गए हो तो देंगे कि नहीं देंगे नहीं देंगे लेकिन अगर आपने टाइम पे अगर उनको पेमेंट किया है तो कोई दिक्कत आएंगे नहीं आएँगे एक्जैक्टली exactly जो कंपनी को फंड रेज करना है उसको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना होता है तो मैं कह रहा हूँ जब ये देगा ही नहीं तो इनके पास आएगा कैसे तो कहीं ना कहीं ये मिस्टर ए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम लिक्विडिटी मैंने बता दिया था बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा आपके पास कितने संपत्ति है कितने असेट्स है इ है लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी कहते हैं कि आपके पास इमीडिएट कैश में कन्वर्ट होने वाले संपत्ति कितनी है अगर वो बहुत ज्यादा है तो आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है आप एक करोड़ रुपए एफडी में रखे हो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है एक करोड़ अगर सेविंग अकाउंट में रखे हो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है लिक्विडिटी इसको बोलते हैं ठीक है ओके तो अब मुझे बताइए मिस्टर ए लेकिन अगर ये डिवेंचर के नाम से पैसे देना इसके पास फ्रीडम है कल पैसे निकाल सकता है बोलो कैसे इमीडिएटली <laughs> ये क्या करेगा बताइए किसी और को ट्रांसफर करेगा वो बोलेगा लो भाई ये सर्टिफिकेट है ना ये सर्टिफिकेट पे मेरा नाम नहीं लिखा है ये लो सर्टिफिकेट मुझे पैसे दे दो क्या उसके पास पैसे आ गए जबकि दिया कितने दिन के लिए था <laughs> पाँच साल के लिए लेकिन ये मिस्टर एक कब पैसे निकाल सकता है <laughs> कभी भी तो डिवेंचर जो है ना डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टर के पास फ्रीडम है कभी भी पैसे वो अपना निकाल सकते हैं वो कैसे निकालेंगे धीरे धीरे बताऊंगा कहाँ जाएगा वो रोड पे चिल्लाएगा भाई साहब मेरे पास ये कागज के टुकड़े मुझे बेचना है मेरे पास देखो ये प्रूफ है कि मैंने एक वन लाख रुपीज कंपनी को दिया है मुझे वापस दे दो क्या रोड पे जाकर चिल्लाएगा कहाँ जाएगा कहाँ ढूंढेगा बायर कहाँ ढूंढेगा बैंक में जाके ढूंढेगा बैंक में कैसे ढूंढेगा ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला फिर देखो मेरे साथ जब भी बातचीत करनी है तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ ऐसे नहीं कि हम ख्यालों में किन्ही को रखे हैं और बात मेरे से कर रहे हो ऐसे नहीं होना चाहिए जब तक दो घंटे की लेक्चर है दो घंटे तक दिल और दिमाग दोनों में कौन चलनी चाहिए हाँ नागेंद्र साह मेरे को तो दिमाग में रखोगे ना चलना का मतलब हो गया कि किसको आप माइंड में सोचोगे चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या बोला था अभी मैंने नहीं नहीं दिमाग में तो रखना मेरे को है। वो तो आपका मजबूरी है कोई चॉइस नहीं आपके पास रखना ही पड़ेगा ना तो मैं क्लास से निकाल दूंगा बाहर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं हाँ जी कहाँ थे हमारा टॉपिक डिवेंचर बेचना मुझे कस्टमर ढूंढना है अच्छा आप मुझे बताओ मोबाइल बेचना होगा किसी को कभी बेचा है आपने मोबाइल पुराना कहाँ बेचा कैसी फाइव है ओके और कोई लोकल डीलर खरीदता है पुराना मोबाइल चलो ठीक है अच्छी बात है और कोई ओ भी यूज किया है आप लोगों ने अच्छा नहीं किया ओ भी एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे पुराने जो सामान बेचने वाले और ख़रीदने वाले का मिलन होता है मिलन का कोई प्लेस होता है ना सब्जी खरीदना है कहाँ जाते हैं सब्जी मार्केट में जाएंगे वो मिलन का प्लेस है किसको मिलवाता है सब्जी खरीदने वाले सब्जी बेचने वाले ये भी तो एक सामान है ये सामान नहीं है इसको भी तो खरीदने बेचने का कोई प्लेस होगा जहां पे मिलन होते होंगे कौन सी प्लेस है वो स्टॉक मार्केट बिल्कुल सही बात है अब आप मान लीजिए मिस्टर ए को पैसे चाहिए ये मिस्टर ए किससे पैसे मांगेगा हमें कैसे पता कि किसको जरूरत है कोई बायर तो चाहिए ना ये कागज के टुकड़े बाई करेगा उसकी मालिक बन जाएंगे जिस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है कि ठीक है जी वन लाख रुपीस दिया हुआ है इस पर टेन परसेंट का इंटरेस्ट है फाइव ईयर की लाइफ है कागज के टुकड़े जिसके पास जाएगा कंपनी उसको देंगे इंटरेस्ट अब मान लीजिए कौन बाई करने वाला है जिससे मैं वन लाख ,00 रुपीज लूँ, तो कोई तो मिलना चाहिए वो कहाँ गया बताइए एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुनाएगा भी ओके yes. okay. कैसा होता है अच्छा होता है <laughs> बहुत बढ़िया मान लीजिए मैं एन पे चला गया ठीक है जी ये क्या है कुछ आ गया था क्या हाँ जी एक प्लेटफॉर्म है जैसे मान लीजिए आपको किसी का डिवेंचर ख़रीदना है तो कोई सेलर तो मिलना चाहिए ना सेलर तो ढूंढूंगा कहाँ से ढूंढेंगे यहाँ पे बेचने वाले आके अपना ऑर्डर प्लेस किया होगा जैसे ओ पे किसी को मोबाइल खरीद बेचना है तो जाके क्या करते पहले अपने मोबाइल का फोटो क्लिक करेंगे उस पर लिस्ट करेंगे प्राइस कोट करेंगे खरीदने वाले सर्च करेगा फिर उनको कॉल करेंगे उनको बोलेंगे अपना निगोशिएट करेंगे उनको पैसे देंगे यहाँ पे इस तरीके से कॉल नहीं किया जाता है बीच में जो है एक इंटरमीडिएट ही बैठा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब मान लीजिए किसी की बात करते हैं क्या चल रहा है बार बार <laughs> मैंने कैंसिल ही करा था शायद हाँ जी बताइएगा कोई ऐसा अच्छा बॉन्ड और डिवेंचर में भी कोई डिफरेंस होता है बॉन्ड एंड डिवेंचर चलो गवर्नमेंट या पी जो इश्यू करते हैं वो नॉर्मली लोग उसको बॉन्ड के नाम से जानते हैं बाकी कंपनी का डिवेंचर ओके okay. हाँ जी एन का नाम सुना है कभी ये क्यों नहीं आ रहा है इस दिक्कत है क्या दो अभी रहने बाद में बात करेंगे हाँ जी एन टी पी सी आ गए यहाँ देखिए कुछ सामने कुछ लिखा हुआ है वो एन टी पीठी का इक्विटी है अभी हम ले थोड़ा सा एरिया किधर चले गए थे बॉन्ड की साइड क्या उधर कुछ राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ मिल रहा है बॉन्ड ही हुआ है मैंने इस बॉन्ड पे क्लिक कर दिया अब देखिए यहां पे बहुत सारे इसकी बॉन्ड है अभी मार्केट क्लोज है मार्केट की टाइमिंग पता है यहां कितने बजे ट्रेड होती है साढ़े नौ से सवा तीन नाइन थर्टी से होता है नाइन फिफ्टीन से होता है चलो कोई बात देख लेंगे बाद में मुझे याद नहीं अभी नौ बजे मार्केट ओपन होती है पंद्रह मिनट सफाई होती है मार्केट में भाई दुकान कोई खोलते है तो सफाई करते कि नहीं करते है। करते है ना तो पंद्रह मिनट क्या सेवन मिनट सफ़ाई होती है फिर उसके बाद बैठ के लोग थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं सेवन मिनट फिर उसके बाद शुरू होती है नाइन फिफ्टीन से और फिर थ्री थर्टी पर क्लोज हो जाता है फिर थ्री फोर्टी में फिर से शुरू होती है ठीक है मैं कह रहा हूँ ना <laughs> हाँ मैं कह रहा हूँ होती है ठीक है थ्री फोर्टी में फिर शुरू होती है फिर वो चार बजे बंद हो जाता है मैं बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट श्योर है मान लो ना <laughs> ठीक डाउट मत किया करो ऐसे ठीक है जब लॉकडाउन में मेरे एक वीडियो वायरल हुई थी लॉकडाउन के बाद मैंने कभी कैंडल स्टिक चार्ट पे डाला था स्टॉक मार्केट का आई थिंक छः महीने की छः महीने के अंदर वो फाइव मिलियंस व्यूज़ पे गए थे और मेरे सब्सक्राइबर छः महीने के अंदर साढ़े तीन लाख पहुँचे थे एक ही वीडियो से एक वीडियो ने कितना कमा के दिया होगा मुझे बारह लाख ,00 मेरे को सिर्फ एक वीडियो से कमाई आई थी उस टाइम पे, ठीक है और इसका मतलब और उसके बाद जब वीडियो की जब मैं स्टॉक मार्केट के डाले थे तो आज भी अगर देखोगे तो एक बड़े बड़े चार्टर अकाउंटेंट भी मेरे उसमें सब्सक्राइबर है और मेरे वीडियो को हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिसिटी के साथ लोग देखते इसीलिए जो भी कुछ बोल रहा हूँ मान लो ठीक है यानी कि थ्री थर्टी पर जो ओपन होती है वो कुछ और सिस्टम है वो क्लोजिंग ट्रेडिंग मतलब उसके क्लोजिंग सेशन की ट्रेडिंग बोलते हैं उस सब में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है और एक चीज़ और भी बात है मार्केट में आपको ट्रेड भी नहीं करना है सबसे पहली बात जितनी ज़रूरत का वो मैं यहाँ पर दिखा दूँगा आप लोग को हाथ भी नहीं लगाना है इसको क्यों बताइए अरे नहीं ये दारू है ये दारू पीना कोई सजेस्ट करेगा आपको नहीं ना ये प्योर दारू है इसमें नहीं जाना है चलो वापस आ जाते हैं दो तरीके से होता है देखो इसकी मार्केट की जो है ना दो पहलू है एक पहलू है जो कि जुआरी बनाते हैं एक पहलू इन्वेस्टमेंट कराते हैं धीरे धीरे मैं आपको क्लास के साथ साथ आपको नॉलेज दे दूंगा टेंशन मत लो क्योंकि हमारे पूरे के पूरे एफ एम किस पर डिपेंडेंट है पूरे यहीं से तो कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए ना ठीक है चलो आगे बढ़ते ये जो है ना ये ऑर्डर बुक जो दिखता है ना अभी नहीं दिख रहा है अगर ये नाइन फिफ्टीन से लेके थ्री थर्टी के बीच में देखोगे तो यहाँ पे आपको बायर और सेलर सारे मिलेंगे आपको कितने पे बायर बैठे हुए हैं बायर की प्राइस सब कुछ मिलेंगे यहाँ पे यहाँ पे बायर की सारा भीड़ मिलेगा यहाँ पे सेलर का भीड़ मिलेगा तो जिसको बेचना है जहां के यहाँ पे बोली लगाएंगे और जिसको खरीदना है वो भी बोली लगाएंगे वो बिक जाएगा पैसे उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे जिनके अकाउंट में डिवेंचर जाना है चले जाएंगे वो सेटलमेंट होता है स्क्रीन कैसा दिखेगा मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको बस अब फील कर लेना कि इस तरीके का कुछ स्क्रीन होंगे चल इसकी कुटी वाले स्क्रीन ही दिखा देता हूं मैं जस्ट अ मिनट हाँ जी इस तरीके का कुछ स्क्रीन आपको दिखेगा ये क्या है आप भूल जाओ अभी अभी मुझे पूछने लग जाना ये क्या है जैसे देखो कोई सामान है ये यहाँ पे बायर थ्री थाउजेंड क्वान्टिटी के लिए बैठा हुआ है ये प्राइस कोट किया है थ्री थाउजेंड ये प्राइस कोट किया है कभी मूवी देखा है बिल्डिंग का नीलामी होते हुए एक्जैक्टली exactly नीलामी चलते है यहां पे, कौन कितने में खरीदने वाले हैं कौन कितने में बेचने वाले जो सबसे सस्ता बेचता है उसका भी प्राइस महंगा होता है जो सबसे महंगा खरीदना चाहता है उसका भी प्राइस कम होता है थोड़ा ध्यान से देखो नोटिस करके दिख रहा है कुछ नजर ही नहीं है स्क्रीन पे कोई बात नहीं जिसको इंटरेस्ट है उसने देख लिया क्या नजर आया इसने देखो आप ध्यान से ये सारे सेलर है ठीक है ये सारे बायर है प्राइस सबने कोट किया हुआ है आप मुझे बताइए जब किसी चीज की नीलामी होती है तो सबसे पहला नंबर किसका आता है जो तो सबसे महंगा खरीदते हैं देखना थोड़ा सा बोली लगाए हुए में सबसे महंगा खरीदने वाले कौन है यहाँ देखो थ्री एटी सेवन है इसका मतलब जब अगर खरीद बेचा जाएगा जो बेचने वाले पर्सन बेचेंगे तो सबसे पहले इसको मिलेगा वो सामान एग्जैक्टली exactly बॉन्ड का भी ट्रेडिंग ऐसे ही होता है ठीक है जैसे सेलर की तरफ जवाब अब जब बेचने जाएगा कोई तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा तो सबसे सस्ता बेचता याद रखना मैं महंगा बेचूंगा तो मेरा नंबर बाद में है क्योंकि सेम सामान मान लीजिए सेम कैलकुलेटर मैं बेच रहा हूँ पाँच में कोई और बेच रहा है सिक्स में आप मुझे बताइए किसका कैलकुलेटर पहले बिकेगा केगा फाइव वाले का क्योंकि सस्ता वाले का पहले बिकेगा आप देखो सबसे पहले यहाँ देखो सबसे सस्ता बोलिए ये आस्क मतलब बेचना बिड मतलब खरीदना ध्यान से रखना ये फाइनेंस के टर्म में होता है चलते रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें इतना ही नहीं क्वांटिटी क्वांटिटी अगर देखोगे तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा है ये देखो नीचे देखिए टोटल क्वांटिटी देखो आप स्क्रीन पे फाइव दिखते हैं स्क्रीन पे टॉप फाइव दिखते हैं देखते सेवनटीन लाख के क्वांटिटी बेचने के लिए सब तैयार है यहां पर खरीदने के लिए तैयार है इस तरीके से मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस डिसाइड होती है अभी ये इक्विटी का प्राइस था क्योंकि डिवेंचर के प्राइस में वहां पर कोई मुझे नहीं दिखा था क्योंकि मार्केट जब क्लोज होती है तो प्राइस जो होते हैं ना वो हट जाता है इवन इक्विटी का भी प्राइस नहीं है कुछ और है जुआ जो मैं बोल रहा था ना ये जुए का प्राइस है डेरिवेटिव डेरिवेटिव कॉल पुट फ्यूचर सुना है कभी yes. घर बिकते हुए किसी को देखा है कॉल पुट में कोई बात नहीं धीरे धीरे पता चलेगा इसलिए दूर रहना इससे हाँ जी चलो आगे वापस आते हैं कहाँ थे हम लोग दूर चले गए थे भटक गए थे वापस आ जाए चलिए हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चलिए लिखना शुरू करिए आप लोग अब कुछ कुछ नहीं तो पता चलेगा लोरी सुना रहे हैं और हाँ जी फाइनेंशियल <laughs> मैनेजमेंट क्या है उस चीज़ों को हम पहले लिखते चलते हैं financial management is that managerial activity which is which is concerned with प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फॉर्म्स फाइनेंशल रिसोर्सेज जो फाइनेंशल रिसोर्सेज हैं उसको प्लान करना कंट्रोल करना वो जो मैनेजेरियल एक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें मेनली दो आस्पेक्ट्स हैं देर आर टू बेसिक आस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला कौन सी है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड फंड रेज करना और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मान लीजिए हम बात कर रहे थे किसी कंपनी के चलिए एक है प्रोक्यूरमेंट यानी कि सोर्स ऑफ फंड भी बोल सकते हैं पैसे कहाँ से आया कंपनी के बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस शीट में कितने पार्ट्स होते हैं दो लाइबिलिटी एंड एसेट्स क्या लाइबिलिटी को मैं सोर्स ऑफ फंड बोल सकता हूँ बोल सकते हैं इसका मतलब इक्विटी भी सोर्स ऑफ फंड है सारे लाइबिलिटी सोर्स ऑफ फंड है कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा अभी मैंने क्या बोला चलो लाइबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हो आप लोग ऑब्लिगेशन है तो लाइबिलिटी है तो फिर प्रॉफिट तो कभी लाइबिलिटी होनी नहीं चाहिए प्रॉफिट लाइबिलिटी है कि नहीं है िटी है कि नहीं है ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल लाइवलिटी प्रॉफिट क्या ऑप्शनल होते हैं profit? Okay. चलो ठीक है बहस करेंगे बाद में धीरे धीरे एक ही बार में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ओके okay. अभी हमने रेज किया कहाँ से बताइए अभी बोल रहे थे इक्विटी ध्यान से रखना कंपनी की मालिक है ये इक्विटी होल्डर मालिक के जो पैसे होते हैं अभी आप एक चीज़ याद रखिएगा यह पैसे कहाँ से आया हम उसकी बात करें चाहे मालिक से आए चाहे वो बाहर वालों से आए आउटसाइडर यहाँ दो होते हैं प्रेफरेंस होल्डर डेट होल्डर तीन कैटेगरी से हम लोग फंड करते हैं एक आपका इक्विटी जो मालिक के पैसे हैं आउटसाइडर में दो लोग हैं कौन कौन प्रेफरेंस होल्डर और डेट होल्डर चाहे डिवेंचर हो चाहे लोन हो दोनों को हम कैटेगरी डेट रखते हैं ऐसा नहीं है कि डेट का मतलब शॉर्ट फॉर्म है डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म को हम लोग डेट नहीं लिखते डेट एक कैटेगरी है जिसमें सारे इंटरेस्ट बेयरिंग फंड आ जाएगा ध्यान से रखना सारे के सारे इंटरेस्ट बेयरिंग फंड किस में आ जाएगा आपको डेट में डेट हम जब भी बोलेंगे डेट तो वो कैटेगरी होगा ये चीज याद रखना क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना रेशियो में क्योंकि हम सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर ही शुरू करते हैं याद रखिएगा इसका एक ही रीज़न है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा घर पे इंटरेस्ट रहता है रिवीजन करते हैं और मेरा वो आदत नहीं है कि पहले आसान करो ताकि बच्चे खुश हो जाए अरे वाह कितना आसान है चैप्टर नहीं जिसको जैसे लिंकेज है लिंकेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए क्योंकि रेशियो जो एक सबसे आसान जो आप देखना इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होती है एक चैप्टर का नाम है लीवरेज पढ़ा भी होगा आप लोगों ने शायद बी वगैरह में नहीं ठीक है कोई बात नहीं वापस आ जाए हम लोग अपने टॉपिक पे। इक्विटी मालिक ने फंड दिया दूसरा कौन है बताइए प्रेफरेंस होल्डर यानी कि प्रेफरेंस से फंड किया हमने तीसरा कहाँ से आ गया बताइए डेट से इसके अलावा किसी चीज से जो फंड आते हैं ना हम लोग उसको फंड के, के मतलब लॉन्ग टर्म फंड नहीं होता है इसके अलावा बाकी और भी जगहों से आता है जैसे कि क्रेडिटर ने हमें उधार दे दिया कंपनी को क्या फंडिंग है या नहीं है है या नहीं है आपको कैलकुलेटर खरीदना था स्टेशनरी वाले ने आपको उधार दे दिया एक तरीके से वो क्या किया आपको फंड की इंतजाम कर दिया जो कोई भी आपके फंड का इंतजाम कर दिया वो सारे आपके लिए सोर्स ऑफ फंड है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है ध्यान से रखना प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड में वो भी आ जाता है जो भी आपका सप्लायर का जो हम लोग क्रेडिटर कहते हो ना क्रेडिटर भी आता इसमें लेकिन हम इसको इधर अभी फिलहाल नहीं रख रहे क्योंकि वो शॉर्ट टर्म फंड है जो कंपनी बिजनेस जो फंडिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म का कोई भी बिजनेस दो महीने के फंड रेज करके बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ना तो फंड कहाँ से आना चाहिए लॉन्ग टर्म का तो जो लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी पैसे रेज करते उसके तीन ही सोर्स है इक्विटी प्रेफरेंस और डेट डेट में आपका डिवेंचर आ जाएगा डिवेंचर एड बॉन्ड दूसरा आपका लोन ठीक है, ओके पैसे लगाते कहां हैं दो तरीके के सोर्स में एक जो कि आपका नॉन करेंट असेट्स है बिल्डिंग लैंड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर ये सारे क्या हो गया लॉन्ग टर्म की एसेट्स है लॉन्ग टर्म की असेट्स को क्या बोलते हैं नॉन करेंट करेंट असेट्स हो गया जो असेट्स आपका एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सारे असेट्स क्या आपके लिए करेंट असेट्स और जो एक साल से ज्यादा में जिससे फंड एज होता है वो सारे नॉन करेंट असेट्स तो यानी कि जो आपका लॉन्ग टर्म फंड जो आते हैं ना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका होता है एक आपका नॉन करेंट असेट्स और दूसरा नो no. लॉन्ग टर्म का फंड है किसने बोला था वर्किंग कैपिटल क्या बात है बहुत बढ़िया वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है पूरा दो घंटे डिस्कशन करेंगे टेंशन मत लो आप लोग जब हम पहुंचेंगे उस टॉपिक पे पूरे दो एक पूरा चैप्टर है आपके ये यही दो चैप्टर तो आपके सबसे डिफ़िकल्ट है जो बच्चे को समझ नहीं आता है अभी जो रिजल्ट आए हैं अभी पास हिस्ट्री में बहुत दिनों के बाद एफएम में थोड़ा सा बच्चों को औकात दिखाया है बाकी तो कुछ भी पढ़ लो ऊपर से पहुंच के अच्छा मार्क्स ले आते थे पहले बार सोचा कि थोड़ा बच्चों को हम देखते हैं कि कितना पानी में है ये बहुत दिनों के बाद आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछा था और देखना इस बार नाइन्टी प्लस दिखा है एफ एम में किसी का रिजल्ट तो बहुत देखे होंगे ना आप लोग रिजल्ट में तो इंटरेस्ट होता ही है देखा किसी को नाइन्टी प्लस बाकी अटैम्प्ट में तो खूब दिखता है नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट दिख जाता है क्यों नहीं देखा किसी को नाइन्टी प्लस मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा आप लोगों को दिखा तो मुझे बताइएगा हाँ हमारे वाले को भी आए एटी सिक्स गया है हाईएस्ट ए आई आर फिफ्टीन जो है दीपी अर्पित केडिया उनका आया है तो बाकी मार्केट में भी नाइन्टी प्लस तो नहीं दिखे क्योंकि आउट ऑफ द ट्रैक गया था और जिस टाइम डिफिकल्ट पेपर आता तो आते उस टाइम कॉल भी ज़्यादा आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सर मेरे को दो ही चैप्टर नहीं समझ आता है वर्किंग कैपिटल और ये है आपका कैपिटल बजटिंग यही दोनों चैप्टर नहीं समझ आते बाकी सब समझ आते हैं फिफ्टी परसेंट सिलेबस तो वही दो है और बाकी फिफ्टी परसेंट इधर बसते आपका समझ में आ गया चलिए तो वर्किंग कैपिटल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा बताते हैं मैं पहले ही से बता रहा हूँ मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए कुछ लोग तो कैलकुलेशन दो मिनटों मिला देगा कैसे बताइए आप मुझे बताओ एक कंपनी है बैलेंस शीट बनाओ ठीक है जी याद रखना ये है सोर्स जहाँ से पैसे आते हैं ये है यूटिलाइजेशन जहाँ पैसे जाते हैं जहाँ से पैसे आते हैं वही सारा हमारे लिए लायबिलिटी है अब मत बोलना कि मैं कुछ सर गलत बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही बोलता हूँ जहाँ पे डाउट होता है मैं बोल देता हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा डाउट है दो तरह का लाइबिलिटी होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल आप लोग लाइबिलिटी का मतलब हमेशा एक्सटर्नल समझ के चलते हो कि जो पेबल है पेबल एक्सटर्नल लाइवलिटी होते इंटरनल लाइबिलिटी आपको पेएबल नहीं होते आज तक कभी देखा कंपनी को इक्विटी को पे करते हुए धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस बनाया आज तक किसी इक्विटी ओलर को पेमेंट नहीं हुई है कंपनी के थ्रू बात समझ में आ रही है कुछ भाई मिस्टर ए ने पैसे दिया रिलायंस को मिस्टर ए का हक है कंपनी से पैसे निकालने का कि नहीं चार जनरेशन चला जाएगा कंपनी से पैसे नहीं आते कभी वापस अगर मैं कुछ गलत बोल रहा तो बताओ बोलोगे सर आता है तो डिविडेंड अरे वो कमाई वापस आते कैपिटल नहीं आते ना आपने जो स्टार्टिंग में मान लीजिए किसी कंपनी को एक लाख रुपये दे दिए इक्विटी के नाम पर वो कमा के आपको रिटर्न देते रहेंगे वो कैपिटल कभी वापस नहीं आते इसका मतलब कंपनी को इक्विटी को कभी पे नहीं करना होता है धोखे में मत जीना कि पे करना है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी पेबल नहीं है पेमेंट नहीं करना है इसलिए जब कंपनी जब कमा के प्रॉफिट जब, जब जनरेट करते हैं उसको दोबारा रिटेन करते हैं जो रिटेन अर्निंग है ना वो भी एक सोर्स ऑफ फंड है अभी आप लोगों ने यहाँ पे तीन ही चीज लिखा था उसमें बहुत सारे कंपोनेंट चेंज होंगे अब जब कंपोनेंट चेंज होगा देन रियलाइज होगा कि इसकी एनालिसिस में कितने आपका डेफ्थ होता है ओके तो मैं कह रहा हूं सोर्स में हमने इक्विटी लिख दिया प्रेफरेंस डेट इन दोनों ये दोनों आउटसाइडर है इनका पेवल होता है इस कंपनी को वापस करने पड़ेंगे इनके पैसे ये इंटरनल है इसके पैसे कंपनी कभी वापस नहीं करती है कभी नहीं हाँ एक ही टाइम पे होंगे कब लिक्विडेशन पे जब कंपनी बंद होंगे तो सारे पैसे दे देंगे लोग घर लेके जाओ ठीक है ओके अब यहां पे जो शॉर्ट टर्म के हमने जो फंड लिया था करेंट लाइबिलिटी के नाम से ठीक है क्योंकि थोड़ा सा बेसिक हम आज डिस्कशन करेंगे जो ये सारा चीज़ हमारा रेशियो में काम आएगा रेशियो में से जो पहला चैप्टर है जो इस बार जो इसमें से क्वेश्चन आया था मोर देन सेवेंटी परसेंट बच्चे से तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए सिर्फ थर्टी परसेंट बच्चे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए जबकि रेशियो का क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे सॉल्व कर ही लेता था इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक डाला था रेशियो का क्वेश्चन वही हम लोग चैप्टर पहले करेंगे सब में यही सारे कॉम्पोनेंट आएगा तो वहाँ पर क्या होता है लोग फॉमूला में रट्टा लगाते हैं हम पहले बेसिक उसको बैकग्राउंड में डाल लेते हैं ताकि हमें कहीं पे भी फॉर्मूला में रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े ठीक है वापस आइए ये जो करेंट लाइबिलिटी है इसको कितने दिन के अंदर पे करना है बारह महीने के अंदर अब यहाँ पे जो नॉन करेंट एसेट्स है और ये करेंट एसेट्स है मान लीजिए इक्विटी से हमने फाइव करोड़ फंड रेज किया इससे टू करोड़ फंड रेज किया इससे थ्री फंड रेज किया इससे वन बताइए बैलेंस शीट कितनी टोटल हो रही है देखो थक गए हो लग रहा है आप लोग 1100 हंड्रेड okay. ओके मान लीजिए इसमें 900 हंड्रेड लगा दिया हमने कितना बचा इधर गया इधर आप मुझे बताइए बैलेंस ही टोटल हो गए लॉन्ग टर्म फंड कितना लॉन्ग टर्म जो फ़ंड इस बिजनेस में जो आए हैं जिनको जल्दी से नहीं पे करना है वो कितने बहुत कम आवाज़ आ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है वन थाउजेंड तो जो लॉन्ग टर्म के फंड जो आए हैं हमारे पास वो कहीं तो इन्वेस्ट हुए हैं इन्वेस्ट हुए हैं तो आपको इधर जो इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है आपको 1100 आपको बता दूं इस 1100 के इन्वेस्टमेंट में से इस इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म की फंडिंग आपका 1000 है ये बोल सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के जो फंडिंग यानी कि जो फंडेज रेज करना 1000 है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारा 1000 ही है समझ में आ बात तो कैसे हिसाब मिलाओगे तो आपको बता दूं जब हमारे टाइम पे कंपनी की बैलेंस शीट बनते थे तो लाइबिलिटी में ये नहीं होता था आज भी आपको कंपनी ये रेशियो में क्वेश्चन मिलेंगे लाइबिलिटी में कर, 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 वो करेंट लाइबिलिटी दिखेगा ही नहीं आपको वो बैलेंस शीट कैसे दिखेगा आपको पता है करेंट असेर्स माइनस कर देगा यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी वो जो हंड्रेड था ना यहाँ माइनस कर देगा और ये नेट करके आपको वन थाउजें वन हंड्रेड दिखाएंगे और इसको नाम दे देंगे क्या बताइए वर्किंग कैपिटल ठीक है फिलहाल तो इतने से काम चलाइए आप अब नाम क्या इसका सोचिए आप वर्किंग क्या नाम रखा हुआ है कैपिटल कैपिटल क्या होता है लॉन्ग टर्म फंडिंग पैसे रेज करना लॉन्ग टर्म की जो फंड रेज किया उसको बोला जाता है कैपिटल कंपनी की कैपिटल कौन कौन सी है इक्विटी प्रेफरेंस डेट तीनों ही कैपिटल याद रखना वो जो आप बचपन से पूंजी जो मालिक के पैसे को कैपिटल बोलते हो भूल जाना कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म के फंड जो इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है एक्सटर्नल कौन कौन अब प्रेफरेंस को तो मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना ना एक जो मान लीजिए दो लोग हैं दोनों को एक इक्विटी से पैसे लिया एक प्रेफरेंस बस प्रेफरेंस को हमने बोला कि देखो तुम्हारे को प्रेफरेंस है पेमेंट पे ठीक है अगर मान लीजिए कंपनी कल बंद होंगे तो पहले तुम्हें पे करूँगा ठीक है लेकिन तुम्हें मालिक नहीं बनने देता कंपनी का मालिक ओनरशिप नहीं देता हूं क्योंकि ओनर का मतलब ये हो गया कि जितना कमाया सब में ही सब तुम्हारा और जो लॉस हुआ वो भी तुम्हारा तुम्हारा ही बट यहां क्या कह रहे कि नहीं नहीं कितना भी मैं कमाऊं कंपनी मुझे उससे आपको कोई मतलब नहीं है आपको फिक्स्ड इनकम दूंगा ठीक है और पेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस दूंगा तो वो कौन बन गए प्रेफरेंस शेयर का होल्डर और जो फंडेज करता है वो प्रेफरेंस शेयर के फंडेज डेज करना तो प्रेफरेंस और डेट हो गया तो मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे कैपिटल है तो कैपिटल के फंड दो सोर्स में इन्वेस्ट होता है याद रखना नॉन करंट असेट और किस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा डिटेल हम करेंगे फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ वर्क रेशियो के फर्स्ट जब हम नेक्स्ट क्लास में रेशियो यानी कि कल जब रेशियो स्टार्ट करेंगे मान के चलना कि वन आवर के आसपास आपका सिर्फ डिस्कशन किस पे जाएगा वर्किंग कैपिटल पे क्योंकि वर्किंग कैपिटल को समझना बहुत ज़रूरी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं करता दो घंटे तो मुझे फाइनल वाले को बताने में लग जाते हैं कि वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कौन सी है लॉन्ग टर्म ठीक है चलो कोई नहीं वापस आ जाते हैं हम लोग अभी तो ये देखो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं कैपिटल किसको ये जो सोर्स है ना इसको बोलते हैं कैपिटल ये है कैपिटल एम्प्लॉयड टाइमिंग कितना हुआ है अच्छा ठीक है लगा हुआ है ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल जो आया है कंपनी में और ये क्या है बताइए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब देखो ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है ये आई सी आई का स्टडी मैट है दो मॉड्यूल आते हैं आप लोगों का ये है मॉड्यूल वन ऑफ टू हाँ जी ये जो आपका पहला चैप्टर है ये है आपका थियोरी सेकेंड चैप्टर भी आपका थियोरी है ये रेशियो एनालिसिस हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर थ्री से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल पे खर्चा कितना कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल का बनावट कैसे होना चाहिए उसी में कुछ रेशियो वगैरह यानी कि ये दोनों जो है रेशियो से लिंक है अब कैसे हो तो धीरे धीरे बताएंगे हम आपको मॉड्यूल टू में आपका देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि आपका इस वाले पोर्शन का डिसीजन है ये आपका एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक आपका है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वो इसकी मैनेजमेंट है और ये जो दो है आपका सबसे ज़्यादा लेन है और बाकी चैप्टर देखो क्या क्या था कैपिटल का कॉस्ट क्या होना चाहिए कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमने शुरुआत किया था क्वेश्चन से क्या था पैसे आप लोगों ने कहाँ से लाए याद आ रहा है कुछ तो कुछ लोगों ने बोला अब फिर से बताओ कुछ लोग हैं लोन लेके पढ़ रहे हैं नहीं इतने बुरे दिन नहीं आए अभी है ना ठीक है मान लीजिए जिसको चॉइस था लोन लेके पढ़ना है एक तो चॉइस ही हो गए अब लोन में भी अलग अलग हो सकता है ठीक है उस पर हम अभी नहीं जाते एक हो सकता है कि हम पेरेंट्स से मांग लेते हैं दोस्तों से मांग लेते हैं पेरेंट्स से मांग के पढ़ना दोस्तों से मांग के पढ़ना या लोन लेके पढ़ना सबका अलग अलग रेटिस्टिक्स हो सकता है हो सकता है थोड़ा सा इसके नेचर बदल सकते हो ऐसे ही यहाँ पे कंपनी के लिए इसमें से किससे फंड रेज करना चाहिए अब इतना तो डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा अगर कंपनी डिवेंचर या डेट के नाम पे फंड रेज करता है तो एक चीज बता दू कैटेगरी जरूर है लेकिन इसमें जितने भी फंड रेज किया होगा कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट होगा ठीक है चाहे यहां से इनकम हो या ना हो इन्वेस्टमेंट किया है क्यों किया है कमाने के लिए प्रॉफिट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट आए या ना आए इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा तो चलो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बीच में से प्रेफरेंस होल्डर को हटा देते हैं तो कंपनी के पास अब दो चॉइस है इक्विटी से फ़ंड करना है या डेट से फ़ंड करना है चलो आप इसी पे बहस कर लेते हैं। बताना डिक्विटी से फ़ंड लाना अच्छा या डेट से फ़ंड लाना अच्छा कैश फ्लो पे डिपेंड करता है तो बता दो कैसा कैश फ्लो मैं फिर से वही बोला ना देखो आपको एक ही चीज़ सोचना है जैसे रिक्शे वाले सोचता है अगर आज उसको रिक्शा से ऑटो पे जाना है ना तो बस वो एक ही चीज़ सोचेगा हम पैसे कितना ज़्यादा लगाएंगे और हम इनकम ज़्यादा कितना कमाएंगे अभी मैं कितना कमा रहा हूँ बाद में मैं कितना कमाऊंगा अगर कमाई उतना ही रहेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस है ये चलो कंपनी क्यों बनाते है? छोड़ो ये सब शुरुआत करते शुरू से तो, कंपनी क्यों बनाते प्रॉफिट कमाने के लिए क्या जिसके पास कंपनी नहीं प्रॉफिट नहीं कमाता है तो फिर तो ये लॉजिक तो ठीक नहीं हुआ कि कंपनी बनते प्रॉफिट कमाने के लिए फील करना है सिर्फ जानना नहीं है किसी भी वर्डिंग को फील करना है तभी जाके स्ट्रांग होगा याद रखना बताओ कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया हाँ जी वो तो वैसे भी कर सकते हैं अच्छा चलो मान लीजिए अभी मान लेते थोड़ा देर के लिए सोचते कि अभी आपने क्वालीफाई किया क्वालिफाई करके डिग्री आ गई अब क्या करोगे फील ही नहीं कर रहे हो ना आप लोग थोड़ा देर के लिए फील करो सोचो हाँ डिग्री आ गए अब क्या करोगे सोचो सोचो थोड़ा देर के लिए आँख बंद करो हाँ आम अ चार्टर अकाउंटेंट अब फील करो अब क्या करोगे कुछ तो लक्ष्य लेके आए होंगे यहाँ पे कमाएंगे जॉब करेंगे स्पेसिफिक हो ना गोल गोल घुमा के क्यों बात हो कमाते सब है चोर भी कमाते कमाते कि नहीं कमाते बताओ बदमाश भी कमाते गुंडे भी कमाते हैं, कमाते हैं, तो फिर ऐसे नहीं स्पेसिफिकली बात करो ना आप क्या करोगे आप बताओ प्रैक्टिस करोगे जॉब करोगे अपना बिजनेस करोगे क्या करोगे कुछ तो करोगे कुछ तो सोचा होगा या पेरेंट्स के लिए पढ़ने आ गए थे हमारे सोसाइटी में एक थी जो बस पेरेंट्स के लिए उन्होंने सी करी और जिस दिन सीए ए डिग्री आ गए के में काम कर रही थी वो छोड़ के ट्रैवल ब्लॉगर यूट्यूब दिन रात आके उसके मम्मी पापा मेरे पास बताओ ये क्या कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हो तो कोई भी यूट्यूबर बन जाएंगे कहीं भी करते रहते आज शायद डेढ़ या दो लाख सब्सक्राइबर पहुंच गए और जितना उसको पहले कंपनी में आते होंगे दो साल ढाई साल हो गए उतना तो अब ऑलमोस्ट कमाई ले होंगे तो कहते कि देखिए आपको डिग्री चाहिए था मैंने दे दिया डिग्री बस हो गया अब आपको पैसे चाहिए अब आपको पैसे क्यों चाहिए आपके पास तो है ही ना अब मैं अपने लिए करूँगा तो हो गया मैंने डिग्री दे दिया अब मुझे जो मन है वो करूँगा मुझे घूमना है हर दिन घूमते ही रहती है वो और हर दिन घूम घूम के वीडियो डालते रहती है उसी वीडियो के व्यूज और इस्पॉन्सरशिप से उसको कमाई आते रहते हैं तो ठीक है उसका अपना पैसन था उन्होंने पैसन को फिर बाद में फॉलो किए कुछ तो करोगे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से सोच के बैठे होते मुझे ये काम करने हैं ये बिज़नेस करने हैं तो क्या बिजनेस करना है तो क्या कंपनी बनाना ज़रूरी है क्या जरूरी है क्या क्यों नहीं जरूरी है अभी तो बोल रहे हो कि बिजनेस करना है प्रॉफिट कमाना है कंपनी चाहिए क्योंकि फील नहीं करना आप लोगों ने मैं बार बार कह रहा हूं एफ एम फील करना पड़ेगा दो तीन चार दिन पैसे की मैनेजमेंट है ये पूरे पैसे की मैनेजमेंट में आपको 120 घंटे लगनी है अपने ऊपर ज्यादा लाइवलिटी हाँ चलो ये एक रीजन हो सकता है कि सारा इन्वेस्टमेंट खुद ही करना पड़ेगा यही सब चीज देखो अब धीरे धीरे बात आ रही है मैंने पहले क्या बोला फील करो तो वो आपको नेचुरल आंसर आएंगे बुक से आंसर नहीं चाहिए मुझे बुक वाले छोड़ दो सारे जब तक बुक के लैंग बुक के जो थल नॉलेज में घुसे रहोगे कभी भी आपको इसको फील नहीं कर पाओगे ये चीज ध्यान रखना वापस आइए दो तीन चीज आई इसमें कि हम अपने ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा नहीं आने देते हैं विजय मालिया नीरव मोदी सुना है कौन है विजय मालिया आवाज आनी चाहिए <laughs> <laughs> किंग फिशर के मालिक थे थे जो अभी इंडिया में नहीं भाग गए यही है ना तो मुझे बताइए उसकी संपत्ति नहीं है अब है, है यहां पे? यहां पे भी है यूनाइटेड स्पिरिट सुना है नाम कभी चलो कोई बात नहीं सुना छोड़ो आप हटाओ विजय मालिया क्या अभी भी यहां पे कंपनी है अच्छे प्रॉफिट वाले कंपनी है तो ये जो बैंक के सारे पैसे जो लेके भागे क्यों नहीं उठा के मतलब वो रिकवरी कर लेते सेपरेट लीगल एंटिटी आप देखते हो लिमिटेड लगा जो होते हैं ना कंपनी के नाम के आगे जो प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड कहता है कि देखो भाई कंपनी के पास पैसे तो वापस करेंगे नहीं है तो नहीं वापस करें अपने घर बेच के तो वापस नहीं करने जा रहे एक रीज़न ये हो सकता है कि लाइबिलिटी अगर लिमिटेड रखना है कि देखो भाई मान लीजिए एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया मेरे पास घर में सौ करोड़ की संपत्ति है दो करोड़ से मैंने बिजनेस शुरू किया ये कि बिज़नेस डूब गए मान लीजिए पाँच करोड़ का मैंने लोगों से लोन भी ले लिया अब उसको रिपे करना है तो मैं घर बेच के नहीं रिपेमेंट करना चाह रहा बिजनेस में है तो दूंगा नहीं है तो नहीं दूंगा लिमिटेड लाइबिलिटी अगर ये माइंडसेट है तो कंपनी बनाओ एक चीज हो गया ये काम की बात है ध्यान से देखो ये गोल गोल घुमाया हुआ यह कोई याद रखना है ये जो सीए प्रोफेशन ऐसा है ना जैसे बी वाले को लेंथ मेजर करके मार्क्स मिलते शायद मुझे नहीं आइडिया क्योंकि तो यहाँ ऐसा नहीं है अप टू दी पॉइंट काम की बातें तो मार्क्स मिलेंगे काम की बातें नहीं तो मार्क्स नहीं मिलना है सीधा अप टू दी पॉइंट आना है आपको ठीक है तो मैं कह रहा हूँ लिमिटेड लाइविलिटी एक रीजन बन सकता है ठीक है दूसरा अभी क्या बोल रहे थे पैसे अपने लगाने पड़ेंगे बट बहुत बढ़िया ध्यान सुनिएगा मान लीजिए कोई एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं सपोज़ आप कभी घूमने गए थे देखा कि अरे ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले के बस फॉर्मूला चाहिए पाँच रुपया बनाने में लगते हैं पच्चीस रुपया में बेचता ये तो आपने क्या बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने आपके पास आइडिया आ गए उस आइडिया के थ्रू आपको बिजनेस करना था पैसे चाहिए था सौ करोड़ आप क्वालिफाई कर चुके हो आपके पास दस करोड़ है या जुम करना पड़ेगा क्वालिफाई की हो सौ करोड़ का बिजनेस करना चाह रहे तो हो दस करोड़ होगा कि नहीं होगा होगा ना आपके पास दस करोड़ है टेन करोड़ आपके पास है बिजनेस शुरू हो जाएगा क्या नहीं होगा ना गप्पे तो नहीं करना है अपने आप में मेरे से बातें करना है दो घंटे सिंपल हाँ जी आप बताओ पीछे से आपके पास टेन करोड़ है आपको सौ करोड़ की बिजनेस शुरू करनी है कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करनी है ठीक है क्या बनानी है आपको कोल्ड ड्रिंक् बना रही है वही तो पूछ रहा हूँ आपको कोल्ड ड्रिंक्स बनानी है कितने पैसे की ज़रूरत है नो सौ करोड़ अच्छा चलो ठीक है नाइन्टी करोड़ बाहर से लाने हैं आपको ठीक है नाइन्टी करोड़ बाहर से रेज करना पड़ेगा ओके कैसे लोगे बताओ किससे मांगोगे सोचो ध्यान से सुनना फिर आप लोग सब लोग अपने अपने फील करो नाइन्टी करोड़ लाने हैं किसके पास जाओगे दोस्तों के पास मान लीजिए आपके सारे दोस्त मिला के बीस करोड़ और मिल गए थर्टी करोड़ हुए अभी भी कितने की कमी है बैंक में चले जाओगे बिजनेस शुरू हुआ ने बैंक आपको पैसे दे देगा लगता है बैंक आपको ऐसे पैसे दे देते हैं इतना आसानी से बैंक से पैसे नहीं मिलते कभी लेने का मूड हो तो देखिएगा तब उसके बाद पता चलेगा आपको जितना आसानी से जो फोन आते हैं ना कि लोन चाहिए आते आप लोगों के नहीं आते अभी आते एक बार जब क्वालिफाई करो ना उसके बाद देखना दिन में कम से कम बीस कॉल ना आए तो फिर बताना ठीक है तो उस टाइम पे जितने आसानी से फ़ोन आते लोन ले लो जब लोन लेने जाओगे तो आइडिया लगेगा कि उतना आसानी से लोन मिलने वाला नहीं है तो मुझे बताइए आपको तो कितने पैसे आए थे अभी ट्वेंटी करोड़ आपके फ्रेंड से आ गए कितने की अभी ज़रूरत और है सेवेंटी करोड़ किसके पास जाओगे पब्लिक के पास पब्लिक आपको जानता है क्या चलो मैं जाता हूँ मेरे को देंगे पैसे चलो अभी मान लीजिए आज तो हमारा जान पहचान पहले दिन हो रहा है मैं कहता हूँ मुझे पैसे सही आप दे दोगे मुझे दे दोगे कैसे दे दोगे फीलिंग नहीं आती याद रखना बिजनेस में कोई फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग को साइड करो अभी नहीं दोगे आप मुझे आपको बता दो जब जानते भी रहोगे ना तब भी नहीं दोगे अब बोलोगे क्यों नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे अब ध्यान से सुनना भाई अपने संपत्ति कितनी है दस करोड़ सबको मिला के मैंने थर्टी करोड़ और सत्तर करोड़ कहां से ले लोगे जिसके पास दस रुपये होंगे वो पचास रुपये किसी से मांगे तो मिलेंगे क्या उनको नहीं मिलेंगे ना नहीं मिलेगा और चलो मान लीजिए किसी को चैरिटी करना था दे भी दिया अब अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है अब क्या होगा कुछ नहीं होता है उस सबसे देखो बोलने से कुछ नहीं होता है, सब मत सोचा करो ऐसे कुछ लोग कह रहे कैसे बोल रहे हैं अब बताओ मेरे साथ हो रखा है ना मुझे पता है सब कुछ मैंने भुगता हुआ है दोस्त क्लोज फ्रेंड बिना किसी चीज़ का दे दिए पैसे ठीक है अब मान लीजिए उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है अब आप बताओ पैसे आपके ख़त्म तो एक चीज़ याद रखिएगा बहुत सारे इंडिविजुअल को पैसे देने में बहुत सारे रिस्क है क्या रिस्क है मैं फ्रॉड कर सकता हूं मैं भाग सकता हूं मैं बहुत ईमानदार हूं तब भी पैसे नहीं मिल सकते आपको भाई मेरे में मिसहैपनिंग हो गया मेरा एक्सीडेंट हो गया आप लोग पैसे क्या लोगे इसीलिए जब वो कोई पैसे किसी इंडिविजुअल को नहीं देना चाहता ध्यान से सुनना किसी इंडिविजुअल को कोई पैसे नहीं देना चाहता यानी कि मैं अपने नाम से बिजनेस करूँ तो लोग मुझे पैसे देने में डरेंगे मैं कहता हूं मुझे मत पैसे दो भाई एबीसी लिमिटेड को दो सारे संपत्ति किसके नाम पे एबीसी लिमिटेड कंपनी के नाम पे और ये ऐसे पर्सन है ध्यान से सुनना हमने कंपनी बना दिया एक लीगल एंटिटी बन गए जिसने जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बताओ रिकॉग्निशन दे दिया इसका एक लीगल एंटिटी ये ज, ये एक मान लो कि जैसे हमारे जैसे एक इंसान बन गया ये अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने नाम पे जमीन खरीद सकते हैं अपने नाम पे सारा काम कर सकते हैं ठीक है और इतना ही नहीं अब मान लीजिए सेवेंटी करोड़ जो फंड रेज करना है उसमें से मान लीजिए दस लाख लोग आ गए सबके साथ जस्टिस करेगा वो किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करेगा पार्टनरशिप देखते हो बहुत जल्दी डूब जाता है बात नहीं मिलती है दो पार्टनर तीन पार्टनर चार पार्टनर दो से तीन साल उसके बाद बंद क्यों क्योंकि बात नहीं मिल रहे थे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ गए ये कह रहे ऐसे करना है नहीं नहीं कहते ये तो हम ऐसे करना है अब आप मुझे बताइए जब चार लोग जब कि एक बिजनेस में डिसीजन मेकर होता है तो बिजनेस नहीं चलते यहाँ तो दस लाख लोगों ने लगाए पैसे कैसे चलेगा बताइए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जिसको आज इमेजिन भी नहीं किया वो सब कुछ लिखा हुआ है कहां पे कंपनीज एक्ट में यानी कि जो दस लाख लोग पैसे लगा रहे हैं ना वो सब पता है कि इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है ये काम कैसे करेंगे सब कुछ पता है यानी कि जब बड़ा अमाउंट किसी को फंड रेज करना होता है ना तो इंडिविजुअल नाम पे बिजनेस नहीं चलते फिर फिर तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कंपनी में जाते जो मेजर डिफरेंस जो है ना कंपनी क्रिएट करने का बड़ा अमाउंट लाना और लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आ गई बात दो मेजर है अगर ये रिक्वायरमेंट आपके आएंगे ना तो आपके पास तीसरा रास्ता ही नहीं है ना आप प्रोपराइटरशिप कर पाओगे ना आप पार्टनरशिप कर पाओगे आपके पास एक ही रास्ता बचेगा कौन सी कंपनी के थ्रू क्योंकि बिना कंपनी पब्लिक आपको पैसे नहीं देंगे समझ में आए कुछ बात ठीक है तो अब मैं कह रहा हूं कि कंपनी जो बनाए गए मोटा फंड लाने के लिए कहां कहां से लाए इक्विटी प्रेफरेंस डेट से फंड आए गया कहां नॉन करंट असेंट वर्किंग कैपिटल करंट असेट बोलना भूल जाओ हमारे क्लास में वर्किंग कैपिटल इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जब अमाउंट से बात करेंगे तब करेंगे ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यह आपका कैपिटल इंप्लाइड है इसके लिए कौन कौन सी चैप्टर है ध्यान से सुनते जाइए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि जो आपका लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट उसकी डिसीजन एक चैप्टर ये फंड कहां से रेज करें वो एक डिसीजन जैसे हमने बोला था कि इसको जो फंड रेज करना है डेट से लाए इक्विटी से लाए आपने बोला लोन ले लेंगे ध्यान से सुनिएगा डेट से फंड रेज करने का क्या रिस्क है कि बिजनेस अगर नहीं भी चला पहला साल तब भी आपको इंटरेस्ट कॉस्ट देने पड़ेंगे ये आपका रिस्क है नहीं भी कमाओगे तब भी पे करने पड़ोगे बिज़नेस और ज़्यादा लॉस में जाएगा तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं फंड रेज नहीं करना चाहिए डेट से कभी देखते हो बिजनेस चैनल बिजनेस चैनल देखते हो बिजनेस चैनल समझते हो कौन सी है, दो चार नाम बताओ सी एन बी सी आवाज़ बहुत बढ़िया जी बिजनेस ये सिर्फ बात करेंगे इसी सब चीज़ों का जब आप जाओगे वहाँ पे तो कुछ एक्सपर्ट आ जाते हैं कहते किस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए कहते उस कंपनी में पैसे लगाओ जिसमें डेट नहीं है या कम है क्यों भाई क्यों फिक्स कॉस्ट कम है तो लोन लेना बेकार की बात है तो सारे बिजनेस तो स्टार्ट तो लोग लोन से ही करता है चलो मान लो अभी आपने बिजनेस बना कर रहे थे होल्डिंग्स मैन्युफैक्चर करना है फंड लेना है सत्तर करोड़ चलो मान लीजिए और चाहिए था मान लीजिए बैंक अग्री हो गया पाँच कर, पचास करोड़ देने को आपके पास चॉइस है पब्लिक से फंड लूँ मालिक बना के या मैं बैंक से लोन लूँ इंटरेस्ट के नाम पे क्या करना पसंद करोगे थोड़ा फील करो हाँ जी बताइए क्या करना पसंद करोगे बैंक आपको बारह परसेंट पर लोन देने को तैयार है चलो थोड़ा तो जल्दी हाँ जी क्यों एक चीज ध्यान से सुनना लोन लेके हम बिजनेस करें या ना करें डिपेंड करता है ये कभी बोल रहे थे कैश फ्लो पे अगला आपकी जो प्रॉफिट है वो कितना आने वाला है उस पर डिपेंड करता है अगर आपको इस बिजनेस से लग रहा है कि मैं बीस परसेंट का ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न तो मैं पहले डे वन से जनरेट कर लूंगा क्या करोगे देखो अब आवाज आना शुरू हो गया ऐसे स्पेसिफिक हो कि आप लोग सोचोगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस करना सीख लोगे समझ तो में आ गया अगर इस कंपनी को जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स बनाना शुरू किया था अरे हमें पता था कि हमारा कस्टमर बना हुआ है हम थोड़ा सा प्राइस कम करेंगे हमारा कोल्ल ड्रिंक्स सारा सेल हो जाएगा हमें पता है पाँच रुपये बनाने में लगेंगे हम ट्वेंटी रुपीज़ का प्राइस रखेंगे क्योंकि मार्केट में ट्वेंटी फाइव का प्राइस है मान लो फाइव रुपीज़ का कॉस्ट लोग ट्वेंटी फाइव में बेचता है हम कितने में बेचेंगे ट्वेंटी में बेचेंगे और मान लीजिए हमारा एक पार्टनर कोई एक बड़े सेलिब्रिटीज वो प्रमोट कर देंगे मुझे पता है कि मैं तो ट्वेंटी परसेंट कमाई ही लूंगा तो मुझे बताइए ट्वेल्व परसेंट पे लोन लेने में क्या बुराई है आठ परसेंट और बचेगा सेव होगा आपको आपकी कमाई पता है कितना होगा बढ़ जाएगा ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा होगा आपका कमाई यही सब पढ़ना है आपको रेशियो में इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी होल्डर कितना कमा रहे मैं आपको बताऊंगा ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा की कमाई आएगी बताइए कैसे आपने बाहर से कितना लाया ट्वेंटी परसेंट पेमेंट कितना किया बारह परसेंट तो ये आठ परसेंट कहाँ गया हमने अपने जेब में बचाया ना नहीं कितना छोटा हिसाब नहीं आता आप लोगों को चलो तो सौ रुपये से हिसाब करते हैं ज़्यादा क्यों करें एक बिज़नेस शुरू किया पचास रुपये अपना लगाया चलो फोर्टी रुपीज़ लगाते अपना कितने बाहर वाले से लिए साठ <स्याँगा> कितने परसेंट <पर्षन> पे लिए <स्याँगा> आवाज़ नहीं आ रही है, <स्याँगा> दो चीज़ होता है दो चीज़ है फाइनल में लॉ मैंने पढ़ना शुरू किया था अभी तो सारे टीचर्स वगैरह चेंज हो गए हमारे टाइम पे कुछ और सिचुएशन होते थे मैं भी दिल्ली से पढ़ा हूँ फ़ाइनल पी वन हमारे टाइम पे जो अभी फ़ाउंडेशन होते हैं वो पहले पी वन होता था अभी जो इंटरमीडिएट है वो हमारे टाइम पे पी टू होता था और फाइनल का हमेशा फ़ाइनल ये हाँ प्रोफेशनल एजुकेशन टू बोलते थे इसको तो फाइनल में ये दोनों मैंने छोटे शहर से किया हुआ है फ़ाइनल मैंने डेली से किया हुआ है मुझे मुनीष भंडारी सर से क्लास लेनी थी टाइम नहीं मिला आर्टिकल सिप के साथ तो मैंने किसी एक एस से लक्ष्मी नगर में एक नए टीचर थे उनको ज्वाइन कर लिया क्योंकि टाइम शूट कर रहा था और फर्स्ट रो में बैठते थे अप्रोक्सीमेटली सेवन क्लास तक बुक रखते थे बगल में मुनीष भंडारी सर का और क्लास में पढ़ रहे हैं वो जज कर रहे थे कि टीचर सही पढ़ा रहे या गलत पढ़ा रहे सेवन डेज़ के बाद एक चैप्टर ख़त्म हो चुके थे अच्छा सा तब तक तो माइंड में कभी पॉजिटिविटी आई ही नहीं हम तो किसको जज कर रहे थे टीचर को टीचर को जज करते टाइम जो होते ना वो माइंड हमारा ब्लॉक था जो आउटपुट जो वहाँ से आ रही थी जो हम ले सकते थे वो नहीं ले पाए बाद में रियलाइज जो नहीं ठीक ही है सब कुछ सर ठीक ही पढ़ा रहे क्योंकि लॉ में लगता था बहुत सारे चेंजेज़ है कुछ ऐसा तो नहीं आउटडेटेड चीज़ पढ़ा रहे वो मैचिंग करते थे प्रोविजन वगैरह मैच करते रहते थे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं पढ़ना तो यही है ही बट सेवन डेज में जो पढ़ा वो सारा क्या हो गया ख़त्म फिर बाद में अकल ठिकाने आए फिर सब कुछ ठीक वो चैप्टर मेरे को फिर से दोबारा उसी सर के पास बैठ के फिर से पढ़ने पड़े तो ऐसा तो किसी का सिस्टम सिचुएशन नहीं है ना कि टीचर को तो जज नहीं करने के लिए बैठे जज करने की ज़रूरत नहीं कभी जज करने का मूड हो तो मेरा सिर्फ नाम लिखना गूगल पे डेढ़ हज़ार से ज़्यादा आपको गूगल पे रिव्यू मिल जाएगा गूगल का रिव्यू और अगर यूट्यूब के मेरे पुराने चैनल जो दो चैनल है मेरा क्योंकि बाद में मैंने स्टॉक मार्केट का व्यूअर्स ज़्यादा हो गए थे तो मैंने उस चैनल को स्टॉक मार्केट के लिए छोड़ के मैंने इधर एफ एम एस एफ एम के लिए अलग से बना दिया तो वो नया चैनल है पुराने जिसमें थ्री पॉइंट फाइव लैक सब्सक्राइबर है उसमें मोर देन फिफ्टी थाउजेंड कमेंट मिल जाएंगे किसी रिविजन वीडियो को उठा लेना और वहाँ जाके पढ़ लेना आपको धीरे धीरे रिलाइज हो जाएगा क्योंकि तो मुझे जानने पहचानने में आपको दस दिन लग जाएंगे एक दो दिन में किसी को कोई जज नहीं कर सकते वो मेट्रो वाले प्यार नहीं है यहाँ पे कि देख के पसंद आ गए और प्यार हो गए एक ही दिन में यहाँ पे हम मेरे साथ प्यार होने में कितने टाइम लगेंगे आपको एटलीस्ट दस दिन तभी समझ आएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ इसका कितना अहमियत है इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ कोई कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन मुझे बताना है समझ में आ गई कुछ बात ये जो भी जो भी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ना सारे एक फॉर्मूला है आपके समझ में आए कुछ बात ठीक है वापस आइए कितने पैसे लिए कितने परसेंट पे कितना लगाया अरे यही तो हम हिसाब करें जब से आए तब से हंड्रेड रुपीज लगाया कहा लगाए होंगे नॉन करंट अशेट एंड वर्किंग कैपिटल बस खत्म नॉन करेंट अशेट एंड वर्किंग कैपिटल अगर इतना जिसको याद होगा ना इस बार के लिए उस सारे स्टूडेंट रेशियो का इस बार क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ध्यान से सुनना जिस जिस स्टूडेंट को ये याद था कि हमारा कैपिटल नॉन करेंट अशेट और वर्किंग कैपिटल होता है उन सारे स्टूडेंट ने इस बार की रेशियो की क्वेश्चन बना पाए और जिसको जिसने ये भूल गए उनसे वो क्वेश्चन बना ही नहीं क्योंकि इतना घुमा के उसकी इक्वेशन बनवाया था वो इक्वेशन यही बन रहा था कौन सी इक्वेशन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल ये फार्मूला जिसको याद आए उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया अदरवाइज बना ही नहीं क्योंकि रेशियो का इक्वेशन इस तरीके से घुमाया था ये इक्वेशन जिसको नहीं आता था कोई बना ही नहीं क्वेश्चन इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं और हमारे सारे स्टूडेंट जितने भी आए तो लोग कह रहे कि रेशो है क्वेश्चन नहीं बना हमारा तो बन गया हाँ थोड़ा टाइम लगा बोला हो गया वो एक इक्वेशन में फंस गई इक्वेशन पकड़ ही नहीं पाए क्वेश्चन नहीं बना दो दो इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व हुआ था इस बार इस तरीके से वापस आइए तो हंड्रेड तो रुपीज लगाया आपने नॉन करंट से वर्किंग कैपिटल कितना कमा के लाया आवाज नहीं है बीस परसेंट कमाया इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक रेशियो है नाम बोलो क्या ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है इसको रिटर्न ऑन कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि ये कैपिटल था कैपिटल का इन्वेस्टमेंट उस पर रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल कितने परसेंट बीस परसेंट ठीक है अब आप मुझे बताइए इक्विटी कितना कमाएगा उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यह है मालिक आप जो पैसे लगाए थे मालिक इक्विटी इक्विटी का रिटर्न बताओ जल्दी से रिटर्न याद रखना परसेंटेज में बात करेंगे आठ परसेंट कभी पॉसिबल ही नहीं है जब मैं ट्वेंटी परसेंट बिजनेस से कमा रहा हूँ इक्विटी कमाएगा ट्वेंटी आठ परसेंट कैसे हिसाब नहीं मिलाने आ रहे आप लोग को छोटा सा मैथमेटिक्स नहीं आता इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स से वाले को आता है एट परसेंट कैसे बोल दिए बताओ मुझे थोड़ा ध्यान से चलो हिसाब मिलाओ जल्दी से छोटा सा कैलकुलेशन है कैलकुलेटर है किसी के हाथ में देखो आप बैग में रखे पुराना ना हो जाए कि लेके नहीं आए लोग इसके लिए क्यों निकालना पड़ेगा निकालना ही पड़ेगा कितना बताओ परसेंटेज निकालने आता है आप लोगों को देखो कितना आता है परसेंटेज निकालना आप लोग हाँ जी थर्टी टू कह रहे कुछ लोग मुझे इतना पता है आंसर ट्वेंटी के ऊपर जाएंगे ट्वेंटी के नीचे कोई बोल ही नहीं सकते है. अब परसेंटेज नहीं निकालने आता है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा चलो परसेंटेज समझाते क्या होता है आप मुझे बताइए मैंने बीस रुपए लगाए ध्यान से सुनना और पढ़ना शुरू कर लो एकदम पॉजिटिव माइंड से सीखना शुरू कर लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं सारे रेशियो में बता रहा हूं याद रखना दो चीज है यही चीज मैं फार्मूला के साथ शुरू करता मुझे फार्मूला आता ही नहीं सिंपल सी बात बता दू मेरे कभी क्लास में दिखा लेना मैं फार्मूला का बेस फार्मूला हम बनाते हैं। समझ में आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला ना ये हमने फार्मूला भी बनाना है बट वो जाएंगे स्पेसिफिकली तो वहां भी बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला बना रहे हम लोग अभी से ठीक है वापस आइए ट्वेंटी रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया मैंने पांच रुपये कमाया पांच रुपये का मैंने प्रॉफिट किया ठीक है कितना परसेंट कमाया कितना परसेंट कमाया परसेंटेज निकालने आता है अगर ये नहीं आता तो एफएम में बहुत परेशानी होगा याद रख लेना परसेंटेज जो होते हैं किसका कितना अमाउंट हम ट्वेंटी में फाइव रुपीज़ कितना है तो हम कहते फाइव रुपीज़ ट्वेंटी का ऐसे ही निकालते क्या कितना परसेंट आ रहे पच्चीस परसेंट बताओ कितना टाइम लग गया आप लोगों को बोलने में इतनी छोटी सी कैलकुलेशन पूरे एफ में मुझे बस परसेंटेज की कैलकुलेशन आपका चाहिए इससे मैथ ज़्यादा मैथमेटिक्स मुझे चाहिए ही नहीं अगर इतना मैथमेटिक्स आता है तो काम ख़त्म एफ का आप मुझे बताए ट्वेंटी तो आप यहाँ पर बताइए कितना परसेंट कमाया आपने नहीं नहीं पहले उधर हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट किया था बिजनेस में कितना परसेंट कमा के लाए थे कितने रुपये कमाया था बीस रुपये क्यों क्योंकि हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट ओके मैंने ट्वेंटी रुपीज़ कमाया ठीक है अब मुझे बताइए डेट को मैंने पे किया कितना पे किया सिक्सटी का ट्वेल्व परसेंट ओके सिक्सटी का ट्वेल्व परसेंट मैंने पेमेंट कर दिया तो आप मुझे बताइए सेवन पॉइंट टू पेमेंट किया इक्विटी के लिए कितना बचा ट्वेल्व पॉइंट एट बचा कितना लगाया इसने फोर्टी रुपीज़ कितना परसेंट हुआ थर्टी टू परसेंट बिल्कुल सही थे आप लोग इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में इतना टाइम लगा आप मुझे बताइए इक्विटी होल्डर ने कितना कमाया थर्टी टू परसेंट आप मुझे बताइए इस बिजनेस में पैसे लगाने को आपको चॉइस मिला है आप इस बिजनेस में पैसे लगाओ आपको पता है कि बिजनेस ट्वेंटी परसेंट कमा के लाएगा आपकी यहाँ बनना पसंद करोगे इक्विटी या डेट पैसे आपको लगाना है किसको लगाना है पैसे फील करो बार बार मैं कह रहा हूं आप यहां बैठे हो आप यहां बैठे हो आपको पैसे देने हैं किसको देने हैं बिजनेस में उसका बिजनेस में पैसे लगाने हैं अब आपके पास दो चॉइस है या तो बिजनेस का मालिक बन जाओ या बिजनेस को लोन दे दो 12% के इंटरेस्ट पे आप क्या बनना पसंद करोगे मालिक बहुत बढ़िया अब आइए वापस आपको लग रहा है कि यह बिजनेस से जो पैसे आने वाला ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है एट परसेंट का अब क्या करना पसंद करोगे देट। देट। इसका मतलब आप किस में पैसे लगाओगे डिपेंड करता है किस पे कि ये कंपनी कितना कमाएंगे है ना अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है पहले जैसे हमारा था तो हम मालिक बनना पसंद करेंगे और अगर इसका रिटर्न कम है तो हम डेट बनना पसंद करेंगे अब सुनना थोड़ा ध्यान से बिजनेस चैनल की बात कर रहे थे बिजनेस चैनल पे आप जो किसी का इक्विटी खरीदते हो ना आप क्या कर रहे हो पता है ये रहा ये मालिक बन के कंपनी को पैसे दे रहे हो बोलोगे हम कहाँ दे रहे पैसे किसी ने दिया है ना उसी का तो आप मालिकाना हक खरीद रहे हो आज रिलायंस का मालिक बन सकते हो आप yes, बन सकते हैं? कैसे? Yes, शेयर खरीद लेंगे इसका मतलब रिलायंस का मालिक बन गए आप ठीक है कितने कंपनी कम, है रिलायंस कितने वैल्यू का कंपनी है रिलायंस नहीं पता कभी लगे कि किसी कंपनी का आपको वैल्यू जानना है कि वो कंपनी का वैल्यू कितना है एनएससी पे चले जाओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर में सर्च बटन आ रहा है यहाँ पे लिख दो आप क्या लिखोगे रिलायंस बहुत सारे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ चला गया बंद हो गया टाइम तो नहीं हुआ ना अभी Okay. सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री दिख रहे है विजिबल है जय ठीक है रिलायंस इंडस्ट्रीज जब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्लिक करोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैंने क्लिक कर दिया तो आज अगर इसका मालिकाना हक खरीदना चाहोगे तो एक शेयर के लिए आपको कितना पेमेंट करने पड़ेंगे थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री एक शेयर खरीदने के लिए इतने पेमेंट करने पड़ेंगे यहां पे राइट हैंड साइड में कुछ और इंफॉर्मेशन दिख रहा है दिख रहा है कुछ क्या दिख रहा है टोटल मार्केट कैप मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी होल्डर ठीक है कितना वैल्यू है इसका इक्कीस लाख साठ हजार सात सौ तीस करोड़ करोड़ ये राशि यार फ्री फ्लोट है वो जो पब्लिक के पास है क्योंकि प्रोमोटर का शेयर फ्रीली अलाउड नहीं है ट्रेड होने के लिए फ्री फ्लोट मतलब जो फ्रीली मार्केट में ट्रेड हो रहा है मुकेश अंबानी या उसके फैमिली अपने शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता है ये सेवी की रेस्ट्रिक्शन से अगर उसको बेचना है तो पहले इन्फॉर्म करके आने पड़ेंगे ठीक है फ्री फ्लोट कितना है टेन लाख एटी थाउजेंड इसका मतलब इतने वैल्यू के शेयर पब्लिक के पास है और बाकी अंबानी मुकेश मोटा भाई के पास है ठीक है जी नीता अंबानी क्यों और अनिल सॉरी अनंत और वो क्या आकाश अनंत और आकाश कहा है अच्छा आप नीता उसके बोल दिए थे मैंने तो मैंने गलती से उनके बेटी समझ लिया था ठीक है सर बिल्कुल सही नीता और मुकेश अंबानी दोनों एक ही बात हुई ठीक है बिल्कुल सही हो हाँ जी कितना बचता है परसेंटेज में बताओ ना इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग कैलकुलेटर निकाल के नहीं बैठे हो क्या थोड़ा सा कम ये थोड़ा कम है टोटल कितना है बताइए ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स टोटल ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स है पब्लिक के पास कितना है टेन नहीं फिफ्टी से ज़्यादा होगा किसके पास प्रोमोटर के पास थोड़ा ज़्यादा होगा तभी तो फिफ्टी से ज़्यादा होंगे तो सारे कंट्रोल उनके पास होगा फिफ्टी से थोड़ा ज़्यादा होगा किसके पास पब्लिक के, के थोड़ा कम होगा चेक करो थोड़ा कम होगा हाँ जी एग्जैक्ट फिफ्टी चल रहा है अभी ठीक है अभी कम किया होगा फिर मैंने कुछ दिनों से वाच नहीं कर रहा हूं कुछ कम करा होगा फिफ्टी पॉइंट समथिंग था किनके पास मुकेश अंबानी के पास चलो फिफ्टी परसेंट कितने के मालिक है वो टेन लाख एटी थाउजेंड करोड़ की मालिक कौन है वो मुकेश अंबानी और उनके फैमिली तो मान लीजिए उसने अनंत की शादी हो रही थी अभी हो गई है ना अच्छा अभी हो ही रही है ओके okay. तो बस बताइए कितने परसेंट खर्चा कर लिया उसने आप लोग जो बहुत सारे जो इधर उधर बोला था पॉइंट वन परसेंट तो क्या फर्क पड़ता है वो अपना दो महीने तक शादी करते रहे है सी चलिए वापस आइए तो एक चीज सोचो आज अगर आप चाहो तो आप भी इसका मालिक बन सकते हो किसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का बस करना क्या है यहां जाओ बोली डालो कि मुझे खरीदना है बेचने वाले सामने आएंगे वो आपको बेच के दे देंगे कितने रुपये लेना देना पड़ेगा आपको आपको जो देना है एक शेयर के लिए थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी थ्री रुपीज देना है अब मान लीजिए अगर एक करोड़ लगाना तो देख लो कितना शेयर नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा कितना परसेंटेज होल्डिंग बनेगा अब देख लो, कोई इशू नहीं है तो मैं सिंपली कहता हूं कि मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि बिजनेस चैनल पे आते कुछ एक्सपर्ट और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसे कंपनी का शेयर मत खरीदना जिसमें डेट है यही है ना जिसमें डेट है वो तो सही बोल रहा है गलत बोल रहे हैं वो अब तो देखो आप लोग कितना समझे आज की क्लास को हाँ जी कौन बताना चाह रहे तो फिर से रिपीट कर रहा हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कोई आता है आपको सजेस्ट करता है कि देखो जी ये एक कंपनी है इसका इक्विटी मत खरीदना क्योंकि इसमें लोन है आप देखो ना लोन तो सिक्सटी परसेंट है नहीं है सिक्सटी परसेंट कैसे बताइए कैसे सिक्सटी परसेंट है बताओ आप लोन कैसे सिक्सटी परसेंट है टोटल कैपिटल कितना है सौ कितने हैं लोन सिक्सटी कितना परसेंट हुए इसको बोलते हैं डेट रेशियो क्या बोलते हैं डेट रेशियो हाँ तो डेट कितना है सिक्सटी परसेंट हो गया डेट रेशियो कौन सी फार्मूला रट्टा लगाना पड़ेगा इसके लिए इसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा और करना पड़ेगा तो फिर क्यों फालतू का यहाँ है कुछ और कर लेना चाहिए समझ में आ गई बात सिक्सटी परसेंट डेट है और एक्सपर्ट आके कहते सिक्सटी परसेंट डेट वाले कंपनी में पैसे नहीं लगाना चाहिए हम कहते हैं भाई साहब तू एक पहलुओं को बता रहे हो कौन सी पहलू को बता रहे हो जब उसकी कमाई कितनी है एट परसेंट तब बोल रहे हो कि डेट वाले में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि देखो आप इक्विटी का कमाई बताओ कितना है नहीं नहीं परसेंटेज में बताओ आप मुझे याद रखना टॉप लेवल की लोग कभी अमाउंट में बात नहीं करते जब भी बात करते किस में परसेंटेज में कितना मिल रहा है जी दो अब सोचो बिजनेस से कमा रहा है ये एट परसेंट मालिक को कितना मिल रहा है मालिक कौन है कंपनी के मालिक कौन इक्विटी ओनर का जो रिटर्न है उसको इक्विटी का रिटर्न बोलते हैं इक्विटी कितना परसेंट कमा रहे दो परसेंट ठीक है तो दो परसेंट कमाई वाले अगर बिजनेस में पैसे लगाओगे तो आपके पैसे तो डूबेगा ही ना थोड़ा सा कुछ दिन और अगर ऐसा होगा तो कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपके पैसे सारे के सारे इसको पेमेंट करने में चला जाएगा आप निगेटिव में भी चले जाओगे इसलिए अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेट के कॉस्ट से ये कॉस्ट है इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट याद रखना फाइनेंस में हम लोग परसेंटेज कमाई को रिटर्न बोलते हैं और परसेंटेज एक्सपेंडिचर को या एक्सपेंस को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं याद रखना यही कॉस्ट और रिटर्न का पूरा का पूरा एनालिसिस है सारे के सारे एनालिसिस हम किस टर्म में करेंगे परसेंटेज टर्म में अमाउंट में कोई एनालिसिस नहीं होता है टॉप लेवल की चीज अभी पहला ही लाइन आपने लिखा है कौन सी डिसीजन है? है ये ये मैनेजेरियल एक्टिविटी है मैनेजर टॉप लेवल पे होते हैं बॉटम लेवल पे होते हैं अब टॉप लेवल के लोगों को अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस में बात करता है सिर्फ परसेंटेज में बात करते क्योंकि उसको परसेंटेज ज्यादा समझ आता है समझ में आ गया बात और आपको भी ज्यादा समझ आएगा अभी तो मैं कह रहा हूँ जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है इन्वेस्टमेंट इसका रिटर्न परसेंटेज में जिसका कम है उस कंपनी में इक्विटी में पैसे नहीं लगाना चाहिए लेकिन जिस कंपनी का रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो उसमें डेट वाले कंपनी में तो ज़्यादा लगाना चाहिए आपको पता है आपकी रिटर्न अगर ज़्यादा होगा तो कल के रेट पे इसके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा जाएगा समझ में आया ओके okay. एक इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है कभी कभी मैं बीच में यूज़ कर लिया करूँगा किसी का प्राइस का हिस्ट्री देखने के लिए किसी का प्राइस हिस्ट्री देखना है तो पास्ट में जाने पड़ेंगे ना तो चार्ट वाइज हमें वो दिखा देता है क्यों बार बार रुक जाता है ये मनी कंट्रोल पे थोड़ा वो रिसेंट नहीं दिखाता है अब कोई ने अभी सोचा कि नेट कनेक्टिविटी में जितना टाइम लगा है उससे पहले आज काम चलाते हैं अगले दिन से देखते रहेंगे ये देखिए इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो हम बात कर रहे थे इसकी जो चार्ट देखना है मुझे पास हिस्ट्री हाँ जी ये दस साल की हिस्ट्री कुछ दिख रहे हैं आपको ये टेन ईयर का है कैसे पता चला आपको टेन ईयर मैंने टेन ईयर सेलेक्ट किया हुआ था नीचे ये, ये टेन ईयर तो देखो आप टेन ईयर पहले इसकी प्राइस किसके आसपास था दिख रहा है कुछ इसके आसपास था मो अप्रॉक्सीमेटली फाइव हंड्रेड के आसपास टेन ईयर पहले यानी कि टेन ईयर पहले अगर आपने फाइव हंड्रेड रुपीज़ लगाए होते तो आज कितना होता है इसका प्राइस थ्री थाउजेंड समिंग था थर्टी टू हंड्रेड कह सकते हैं टेन ईयर में आपने कितना कमाया होता अभी हम एब्सोलूट में बात नहीं करेंगे टाइम वैल्यू में जाएंगे तो मैं आपको कंपाउंडेड बताऊंगा फिलहाल चलो अभी पूरा ले लीजिए थर्टी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई आपका फाइव हंड्रेड अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते है, 540 Almost 540 हैं फाइव हंड्रेड फोर्टी परसेंट ऑलमोस्ट फाइव फोर्टी परसेंट ठीक है कितने साल में टेन ईयर में जूडियो का नाम सुना है जूडियो टाटा का जाते हो संडे को तो लाइन लगने पड़ते बिलिंग में कौन सी कंपनी में आता है ये नहीं पता बिलिंग जब आप लोग को बिल जब देते हैं या आते मोबाइल पे तो उसमें एक बार नहीं देखते कौन सी कंपनी है मैंने तो पहले बार जब जूडियो में गया था उसी दिन जब मैंने उसका शोरूम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में जब मैं पहुंचा था किसी के रेफरेंस से वो किसी और के लिए गया मैंने देखा संडे को इतना भीड़ सारे के सारे प्रोडक्ट वन थाउजेंड से नीचे क्वालिटी ख़राब नहीं था मैंने बोला भाई बाक़ी शोरूम में भीड़ नहीं यहाँ भीड़ है इसमें तो कुछ दम है उस टाइम शेयर चल रहा था ट्वेल्व का मनोबुलाइस में पैसे लगाया जा सकता है क्योंकि मैंने उसका बिजनेस देखा उसका नाम है ट्रेंट ट्रेंट लिमिटेड में आता है ठीक है जी मैं सिर्फ आपको रिटर्न और उसके इक्विटी प्राइस के थोड़ा सा आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा था ट्रेंट लिमिटेड टी आर ई एन टी मैंने इसका भी टेन ईयर ले लिया ठीक है जी आप देखना इसकी प्राइस अगर आप अभी देखोगे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ अब टेन ईयर तो छोड़ दो यहाँ 2021 में किसके आसपास था देखना एक मिनट के लिए सात साढ़े सात सौ के आसपास आज कितने पे चल रहे हैं 5,500 के आसपास यही है ना कितना परसेंट के आसपास रिटर्न सिर्फ चार साल के कितने साल के है 2021 से 2024। कितने साल हुए थ्री ईयर्स

और फिर देखना है कि इसकी बैलेंस शीट में हमें क्या दिखती है और रिलायंस के बैलेंस शीट में क्या दिखती है क्या रिलायंस से तो ज़्यादा रिटर्न है इसके एक काम करो दस साल पहले देखना दस साल हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया था टेन ईयर पहले तो कुछ इस लेवल के आसपास था है ना ये कितने के आसपास होगा ढाई के आसपास होगा तो दस साल पहले ढाई आज चल रही फिफ्टी कितना परसेंट होता है चेक करो परसेंटेज निकालने आता है ना कैसे निकालोगे जो नहीं निकाल रहे ना मैं ये समझ के चलूंगा कि या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है थके हुए हो अब घर जाना है घर जाने के इंतजार कर रहे फिफ्टी फाइव हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी परसेंट टेन ईयर में चलो अभी आप रिटर्न अगर एनुअल निकाल के दूँ डिवाइडेड बाई टेन एक साल में कितना परसेंट रिटर्न दिख रहा है आपको मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिया क्या नहीं तो फिफ्टी फाइव हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी इतना प्रॉफिट है है या नहीं है डिवाइडेड बाई कितना करो टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अच्छा इक्कीस सौ पर ठीक है इक्कीस सौ डिवाइडेड बाई टेन दस साल है एक साल में कितना परसेंट रिटर्न वैसे याद रखना ये एनालिसिस गलत है ये जो भी मैं टू हंड्रेड टेन परसेंट बोल रहा हूँ ना ये एनालिसिस गलत है ये कभी किया नहीं जाता है क्यों बताओ क्योंकि कंपाउंडेड होता है अब मैं आप लोग के सामने कैसे कंपाउंडेड अभी कैलकुलेशन करूँ किसी को आता है आपके अपने नॉलेज के बेसिस पे जी फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है चलो निकाल के देना फिर देखो कितना आप लोग को वैसे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो मुझे पता है क्योंकि मैथ्स आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैं ये कोई झूठा तारीफ नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की लेवल मुझे पहले से इसलिए पता है क्योंकि तो आप फाउंडेशन मैक्सिमम यहीं से पढ़े हो कितने लोग यहाँ से नहीं किए फाउंडेशन हैंडेज करेंगे हाँ दो तीन चार बच्चे हैं ठीक है तो यहाँ के पढ़े हुए फाउंडेशन के बच्चे के लेवल मुझे पहले बैच से पता है फाइनल में भी मैंने आज तक इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे थे और इसीलिए इतना रिजल्ट भी कहीं नहीं मिलेगा आपको इसीलिए मुझे आपका लेवल पता है ठीक है आपको बताना मुझे इसमें कितना परसेंट आ रहे कंपाउंड रिटर्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे नॉलेज के बेसिस पे ने आप लोग को जितना आता है उसके बेसिस पे बताओ मुझे छुट्टी का टाइम है अब थोड़ा जल्दी देखो कुछ लोग तो निकाल ही नहीं रहे चलो कोई बात नहीं टाइम अभी वेस्ट नहीं करते हम लोग ठीक है मैं बता देता हूँ ऐसे कैलकुलेशन करते थे आप लोग चलो मैं आपके आप बेसिस पे बोलता हूँ वन प्लस आई की पावर टेन इज इक्वल टू फाइव फाइव जीरो डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी यही करना है ना आप लोगों को तो इतना तो निकालने आ जाएगा आप लोगों को ठीक है अगर ये निकालने आ गया तो कंपाउंडेड आ गया आपको ले इसके अगर देखोगे तो i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5500 डिवाइडेड इसमें भी फार्मूला को याद लोग आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा अभी टेंशन मत लो आप लोग माइनस वन ठीक है फिफ्टी फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी समथिंग थर्टी सिक्स पॉइंट टू थ्री परसेंट का आपका कंपाउंडेड रिटर्न है टेन ईयर के लाइफ में कितना बड़ा रिटर्न है इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप लोग 36 परसेंट कंपाउंडेड रिटर्न अगर 10 साल के टाइम फ्रेम पे मिले तो आप कभी 36 परसेंट के कंपाउंडेड रिटर्न कभी 20-25 साल के आगे जाना कैलकुलेटर पे वैल्यू नहीं समाएगा उस तरीके के रिटर्न आ जाते बहुत बड़ा होता है 36 परसेंट कंपाउंडेड रिटर्न यही सारा चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर अनाल करना है धीरे धीरे हम इस पर बहस करेंगे ठीक है अब आज हम कंक्लूड करते हैं आ जाते हैं हम लोग किस पे बताइए इसको कंक्लूड करते कंटेंट लिख के कि हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं इसमें देखो क्या क्या चीज है अब आपको समझ आएगा ये था कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सी ध्यान से सुनिए ये जो आप फंड रेज कर रहे हो ना उसपे कुछ खर्चा आएगा जब इसे अभी हमने डेट का कॉस्ट कितना बताया था आपको ट्वेल्व परसेंट यह है डेट का कॉस्ट वैसे इक्विटी का कॉस्ट आता है और जब दोनों को मिलाएंगे तो किसका कॉस्ट बनेगा कैपिटल का कॉस्ट बनेगा तो आप जो देख रहे थे यहां पे वही एक चैप्टर है आपका यहां पे कहाँ गए कहाँ गए गए ये देखो ये जो आपका एक चैप्टर था चला गया हाँ जी ये देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एक चैप्टर है अभी हमने आपसे पूछा था पैसे कहां से लाओगे इक्विटी से लाओगे या डेट से लाओगे डिपेंड करता है कि हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना होगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे तो वही बोलता है कि आपको पैसे कहां से लाना है डेट से लाओगे या इक्विटी से लाओगे कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर मतलब बनावट ढांचा क्या बनावट होगी कितने इक्विटी से लाओगे कितने डेट से लाओगे वो पूरे के पूरे एक चैप्टर है आपके कहां से पैसे लाओगे उसका डिसीजन लेना कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि हम वहां से पैसे लाएंगे जहां पे खर्चा क्या होगा कम तो पहले खर्चा पढ़ेंगे फिर खर्चा जहाँ कम होंगे वहां से फंड रेज करेंगे और ये जो होता है लीवरेज एक कुछ रेशियो है इसी के साथ बनता है तो देखो इस इतना ही में आपका पूरा एफएम ख़त्म हो जाता है अब आप सोचो क्या कि एफ के अंदर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड देना ना देना तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ मेरे चैप्टर का क्या सीक्वेंस होगा वो लिख के आज हम लोग छुट्टी करते हैं ठीक है जी आइएगा कंटेंट्स हम लोग अपने क्लास के अंदर सबसे पहले जो पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस इससे पहले जो हमने बैच यहां किया था उसमें किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले लेकिन होता क्या है रेशियो में टाइम वैल्यू की ज्यादा जरूरत नहीं है टाइम वैल्यू की जरूरत कहाँ से शुरू होती है हमारी इसमें प्योर टाइम वैल्यू है ये और ये चैप्टर जो है ना दोनों सिर्फ टाइम वैल्यू है बच्चे तब तक ना टाइम वैल्यू भूल जाते हैं क्योंकि हमारा रेशियो में टेन टू फिफ्टीन डेज टेन टू ट्वेल्व डेज आता है रेशियो लंबा चलते हैं तब तक टाइम वैल्यू थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं भूल जाते हैं और फिर कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल में दिक्कत आना शुरू होता है इसीलिए मैंने इस बार सोचा है पहले रेशियो पढ़ लेंगे देन कैपिटल सॉरी टाइम वैल्यू पढ़ेंगे और देन क्या पढ़ेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ताकि वो याद रहेगा टाइम वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इसीलिए मैंने सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज किया आप लोगों के लिए तो रेशियो एनालिसिस पहले पढ़ेंगे दूसरा है हमारा लीवरेज उसी से लिंक है ये दोनों मिला के आपको अप्रॉक्सीमेटली जो आते हैं ये मैं आपको बता दूँ बुक्स वगैरह आप लोगों को मिलेंगे थोड़ा आराम से ही मिलेगा अगर ये देखोगे तो रेशियो एनालिसिस से हर अटेम्प्ट में आपका अप्रोक्सीमेटली फाइव टू टेन मार्क्स आते हैं और इससे लिंक है आपका जो अगला चैप्टर वो कौन सी है ये मेरा बुक है जो आपको मिलेंगे मेरे बुक है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे टेन मार्क्स जबकि आसान कौन है ये बहुत आसान है इतना आसान है कि सारे स्टूडेंट इसका स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वेटेज इसका ज़्यादा है क्योंकि वो मिक्स होता है किसके साथ रेशियो के साथ, साथ। इसीलिए हम पहले लीवरेज नहीं पढ़ सकते जो भी स्टूडेंट पहला चैप्टर रेशियो पढ़ते सॉरी लीवरेज पढ़ते हैं वो सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करके क्योंकि लीवरेज के क्वेश्चन मर्ज होता है किसके साथ रेशियो के साथ, साथ। इसीलिए पहले रेशियो पढ़ना पड़ेगा और रेशियो जो होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं डर जाते हैं स्टार्टिंग में तो डर के आगे जीत है तो हम लोग जीतेंगे टेंशन मत लो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर हमारा चैप्टर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर फिर हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जो थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं और लास्ट में होगा हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर टोटल एट सिक्स यूनिट्स है डेटा मैनेजमेंट क्रेडिटर मैनेजमेंट स्टॉक मैनेजमेंट अलग अलग है तो बाद में देखेंगे टोटल सिक्स यूनिट इसके अंदर जो हमारा थियरिटिकल चैप्टर है थियरिटिकल चैप्टर में दो है आपका एक है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ये सी ए सी एम ए दोनों का है सी एम ए वाले का एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है ना वो आता है आपका कैपिटल मार्केट का है, अलग से लिख देता हूँ एक्स्ट्रा इन सी एम ए जो सी एम ए के बच्चे जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ता है वो है एक आपका कैपिटल मार्केट और एक है उसका सेक्शन बी बिजनेस डेटा एनालिसिस जो सी एम ए का होंगे उनको ये दोनों टॉपिक बाद में हम लास्ट में कराएंगे बाकी ये जो आपका क्लास का सीक्वेंस होगा यही जाएगा एक सेकेंड आपकी जो टोटल ड्यूरेशन होगा लेक्चर का ये अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी टू वन थर्टी आवर्स जाएंगे हम कह सकते सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव लेक्चर्स जाएंगे इस चीज़ों का माइंड सेट करके रखेंगे अभी ठीक है तो आज हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया इस पेपर का जो चैप्टर है अलग अलग एटलीस्ट चैप्टर का नाम वगैरह समझ लिए होंगे क्या है तो मिलते हैं हम लोग कल टाइमिंग क्या थोड़ा सा पहले कर सकते हैं कितने मिनट का ब्रेक चाहिए होता है अगर थर्टी मिनट्स पूरा चाहिए होता है ट्वेंटी मिनट से काम तो दस मिनट पहले शुरू कर लें हम लोग अच्छा नहीं ठीक है फिर मिलते हैं कल टेक केयर बाय